जितने लोग कैमरा ऑन करेंगे उनके साथ इंटरेक्ट करने में थोड़ा आसान रहता है, अच्छा लगता है कि सबका फेस देखो, सबको सबके नमस्कार साथ। सर, कैसी है नमस्कार तबीयत? नमस्कार, बस मैडम ऐसे ही चल रहा है। पहचान गए क्या? हाँ पहचान गए, आपका बैकग्राउंड चेंज है, फेस वही है। पहचान गए। बैकग्राउंड तो वो उस फोन पर जाती हाँ हूँ, वो भगवान बुद्ध का है मेरे। हाँ, दो तीन फोन रखते हैं तो अलग अलग बचाता। आई एम सॉरी, आई वोंट बी एबल टू ओपन कैमरा नेटवर्क शेयर्स बिकॉज़। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सर जो जिनके नमस्कार। नमस्कार जिनके घर में वाईफाई लगा हुआ है, नमस्कार प्रमोद जी, वो लोग प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और तबीयत ठीक है सर आपकी? चलो बस थोड़ा सा पहले से रिकवर हो गया, पूरा नहीं सही हुआ चलो, लेकिन चलो। फिर मैं तो लगभग धन्यवाद एक दिया। साल से करेंगे जुड़ा क्या हूँ। सर? जी प्रमोद जी बोलिए। मैं एक साल से लगभग जुड़ा हूँ, लेकिन आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, तो हाँ आगे हमारे जी जी साथ क्या जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल, सर चलिए एक बहुत बात सही लग बोलूँ चुका। आपको? हाँ जी हाँ, अंशु दीदी ने है ना पीडीएफ का बोला था, ऐसे करके खोलिए ऐसे करके, लेकिन वो लामा फेरा करवाई थी वो वाला तो खुल रहा है, नहीं हुंगारा हलीम वाला तो, लेकिन आप वाला पीडीएफ नहीं खुल रहा है हमारे से, तो हम बहुत कोशिश करे हाँ, हैं। तो वो मैं टीम को एक बार बता दूंगा कि क्या हाँ, प्रॉब्लम हो लेकिन रहा है, मैं नहीं, टेक्निकल उन्होंने प्रॉब्लम हो बहुत रहा अच्छे से डिटेल से बताया, पर वो खुला ही नहीं है मेरे से तो पीडीएफ। है। और बस इतने ही लोग कैमरा ऑन कर रहे हैं, बाकी लोगों का सबका नेटवर्क खराब है क्या? हाँ तो वाणी पता। जी, सुषमा चैटर्जी जी, कैसे हैं आप? क्या मुनासिब है आपने? बहुत दिन बाद। जाने नहीं हमें प्रॉब्लम, लेकिन मैंने अप एंड डाउन जय हो कमी आबार आपना की कंसल्ट कर श्योर श्योर हैं, श्योर श्योर, आपना आपने क्लास का नीचे बोले ही हमें এটা জয়েন করেছি, ঠিক আছে ঠিক আমি আছে। পুনম ম্যাডাম কে বললাম সেটা। ওকে অরুণ কুমার জি, অমিত কুমার জি, জ্যোতি জি, প্লিজ ক্যামেরা অন কর দিজিয়ে। মমতা তিওয়ারি জি আ গই হ্যায়, সরলা জি ভি আ গই হ্যায়, সতীশ জি প্লিজ আপ লোক ক্যামেরা অন কর লিজিয়ে পহলে। ये शुरू करते हैं। अरे भले ही फैन दिखा लो यार, आ जाओ, कम से कम कैमरा ऑन तो कर लो, इंटरेक्शन अच्छे से होता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखेंगे तो किसको ज्ञान देना है, बता। पता तो चले जो मैं ज्ञान दे रहा हूं कि उसको ग्रहण हो, पता तो चले। पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे क्या, क्लासरूम में तो हमेशा यही होता है ना कि टीचर सामने ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होता है या बैठा होता है और स्टूडेंट्स उसको देख रहे होते। यस प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। आप सभी को जैसे पता है हमारे एकेडमी के मैक्सिमम यहाँ पर पुराने लोग ही हैं, नए लोग भी जुड़ रहे हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में तो बहुत अच्छे से पता है, अलग से एक्सप्लेन करने की कोई वो बात नहीं है। फिर भी मैं बोल देता हूँ, गुरुजी ज्ञान एक ऐसा इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया के, पैन इंडिया के अंदर ही, जहाँ पर ऑलमोस्ट हम ये कोशिश करते हैं कि ऑकल्ट के मैक्सिमम ब्रांचेस को, मैक्सिमम मॉड्यूल्स को हम टच कर सके और लोगों को लिटरेट कर सके। मैक्सिमम मॉड्यूल्स अगर आप सीखते हैं तो आपके पास हमेशा कोई ना कोई ऑप्शन रहता है कि आप दूसरों के प्रॉब्लम को समझ के सॉल्व कर सकें और उनको हेल्प कर सकें। सबको मेरी आवाज़ साफ आ रही है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा लो वॉल्यूम, इतना स्लो में बात, मतलब मेरी आवाज़ इतनी कम नहीं होती है, थोड़ा ठीक है सर, सा बढ़िया हेल्थ इश्यू है इस वजह से। क्लियर है ना? चलो सबसे पहले शुरू करेंगे, जैसा हमारा एक ट्रेडिशन है कि हम पहले गुरु वंदना और गायत्री मंत्र से ही शुरू करते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, सभी लोग हाथ जोड़ करके आंख बंद करके गुरु वंदना करेंगे पहले। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु सर। देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके बाद हम लगातार अपने जितने ऊपर गुरु होते हैं ना सबका नाम लेते हैं। कैसे लेते हैं बताता हूँ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः, ओम श्री परम परा परम गुरुभ्यो नमः, ओम श्री परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। इससे क्या होता है कि अप टू शिव जी से लेकर आपके बीच में जितने गुरु थे,
मतलब ज्ञान का प्रसार हुआ है वो सबको हमने नमन कर लिया। इसके बाद नंबर आता है गायत्री मंत्र का। बिना गायत्री के किसी चीज की शुरुआत से मतलब मेरे हिसाब से वो फिर कंप्लीट नहीं होता, इसलिए गायत्री मैं करता हूँ हमेशा। पहले शुरू करते हैं गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए आज का टॉपिक वो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ठीक है, अच्छा कितनों लोगों को ये पता है मतलब कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी या मोबाइल नंबर जो है वो हमारे लाइफ को इफेक्ट कर रहा है या करता है, या कोई आइडिया है? कितने लोगों को आइडिया है? एनीथिंग, अनम्यूट करके बोलिए। करता तो है लेकिन नॉलेज नहीं है, ये तो है मालूम, करता तो है। और अब आप एनीवन? बता देंगे तो कर लेंगे, हम चेंज कर लेंगे। एनीवन ऑल, कोई और? सर ये अभी गुरुजी। पता चला है कि करता है इफेक्ट, जब हमने नया नया मोबाइल न्यूरोलॉजी सुना। अदरवाइज देखा जाए तो लाइक आई एम होल्डिंग अ नंबर सिंस 15 इयर्स, मुझे नहीं पता 15 साल में मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाला है। ध्यान नहीं दिया जी तो पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा होता भी है। पहले होता भी है। राइट राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे। मालूम ही नहीं था सर। उसके पहले तक देखो ना लाइफ ना, आप ये नोटिस करोगे जब से मोबाइल आया सबके लाइफ में, उसके पहले की लाइफ और मोबाइल नंबर आने की लाइफ में आप देखोगे एकदम से क्या हुआ ना, लाइफ में ऐसा लग गया कि टॉप गियर लगा दिया किसी ने। पहले हम गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी कैसा धीरे धीरे स्पीड लेता है, तो जैसे ही जिस दिन से आप नोटिस करोगे, जिस दिन से मोबाइल आया है आपके लाइफ में बहुत ज्यादा बिजीनेस हो गया। मतलब स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा हूँ, स्मार्टफोन के पहले की बात कर रहा हूँ। लोग हमें पहले फोन पे ना ये देखिए लगे होते थे, हाँ कुछ ना कुछ लगे ही होते थे, गप्पे मार रहे, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कुछ कह जा रहा है, कुछ ना कुछ बिजी हो जाते। मतलब मोबाइल आकर हमारे लाइफ में एक गति आ गई है, स्पीडनेस बढ़ गया। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि जाने अनजाने हमने ये नहीं सोचा कि मोबाइल नंबर जो उसके अंदर जो 10 डिजिट होते हैं, ये 10 डिजिट हमें किस तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं, किस तरह से हमारे किस्मत को खोल सकते हैं, किस तरह से हमारी लाइफ को ग्रोथ भी दे सकते हैं, और किस तरह से हमारी लाइफ को पूरी तरह से डुबा भी सकते हैं। ये किसी ने डिसाइड नहीं किया हो या देखा भी नहीं होगा, समझा भी नहीं। क्या होता है ना, जैसे हम इस अकल्ट नॉलेज में अक्सर ये बातें करते हैं, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर एक इंसान की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है ना। मेरी फ्रीक्वेंसी आप लोगों से मैच नहीं करेगी, या हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों से मेरी फ्रीक्वेंसी मैच भी हो जाए। तो जब तक आप सेम फ्रीक्वेंसी के नहीं होते तब तक कनेक्शन नहीं बैठता। ठीक है, किसी के साथ आप जुड़ नहीं पाते। तो उसी तरह से मोबाइल फोन में भी क्या होता है, मोबाइल फोन से पहले फोन में हम डायल करते हैं तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी से पहले जाता है बिम के पास, जो टावर होता है। बिम इसको फिर हाई फ्रीक्वेंसी में छोड़ता है, फिर वो दोबारा किसी दूसरे टावर से रिसीव होकर फिर लो फ्रीक्वेंसी में आकर आपके कि जिसको आपने कॉल किया उसके फोन में जाके वो रिसीव होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन जो हो रहा है ना, क्योंकि पर्टिकुलरली क्या हुआ है, जब आपने किसी को डायल किया ठीक है, तो पर्टिकुलर वो फ्रीक्वेंसी ही बड़ा हुआ, मतलब छोटे से बड़े टावर में गया, बड़े टावर में और बड़ा हुआ, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, जिसका रेंज इतना बड़ा है कि समझ लीजिए कि वो आप कई बार ये नोटिस करेंगे किसी को आप याद कर रहे होते हैं और फोन आ जाता है, कॉल आ जाता है। क्यों आता है पता है? क्योंकि ऑलरेडी जब उस फोन में मोबाइल में उसने नंबर डायल किया है, उसने अपने ब्रेन से ब्रेन वेव तो डाला है, साथ में आपके मोबाइल नंबर का जो सॉरी मोबाइल से जो फ्रिक्वेंसी जनरेट हुआ है और वो फिर नेक्स्ट जो टावर तक पहुंचा है, उस फ्रिक्वेंसी की वजह से भी वो आपको याद आ रहा होता है, जिस वजह से हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट्स भी आते हैं कई बार। अब देखो क्या क्या होता है, जैसे आप लोगों को सबको पता है न्यूमरोलॉजी का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज कितने लोगों को है यहाँ, मतलब कौन सा नंबर कौन से ग्रह का है, ये पता है ना आप लोगों को?
थोड़ा तो आइडिया है, बताइए प्रमोद जी, थोड़ा बहुत आइडिया जी है ना। सर, है थोड़ा बहुत आइडिया। हाँ, 1 से लेकर 9 तक का जो नंबर है वो कौन कौन से ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा का है, 3 नंबर गुरु का है, 4 नंबर राहु का, 5 नंबर बुध का, बहुत बढ़िया। 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु, 8 नंबर शनि, 9 नंबर मंगल। हाँ मंगल, गुड, वेरी गुड। अब ये बताइए कौन किसका एंटी है, कौन किसके साथ दोस्ती रखता है, ये इसका कॉम्बिनेशन पता है आप लोगों को, पता पता है है ना। एक नंबर 8 नंबर का एंटी है, और वेरी गुड, मतलब हाँ दो हाँ नंबर भी 8 नंबर का एंटी है। बताओ वेरी गुड, मतलब बताओ। अब बाला साहब आपने ऑलरेडी रिसर्च कर लिया है। यहाँ पर मैक्सिमम लोग वही करके आए हैं, मुझे पता है ये बात, क्योंकि ये इतना पॉपुलर हो गया ना मोबाइल न्यूमरोलॉजी, और एसेंशियल भी है, मैं आपको बता रहा हूँ नंबर नहीं एसेंशियल भी है। मिल रहे लेकिन नंबर नहीं मिलेगा नंबर सर, आपके उसके लिए उसके लिए उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, नाम से नहीं उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, नंबर मिलेगा नहीं, नंबर आराम से नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन नंबर ही नहीं मिल रहे। हाँ जगमोहन जी गुरु जी बोलिए। नमस्कार, हाँ नमस्कार। गुरु जी नमस्कार। गुरु जी मेरी ये आपके साथ में फर्स्ट क्लास है, हाँ एक्चुअली जी, आज ही मैं आपके साथ में ज्वाइन हुआ। हाँ जी, हाँ जी, वेरी बाय प्रोफेशन मैं एक लेक्चरर हूँ, गुड, और मैंने काफ़ी सुना भी था, और मैं इसी वजह से मेरे मन में छो कि मैं आपके साथ में ज़रूर जुड़ूं। जी, मुझे जैसे किसी क्लास में एक नया बालक आता है, तो मैं तो इस तरह से हूँ आपकी क्लास में आज। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब न्यूमरोलॉजी का आपका थोड़ा सा भी कुछ भी नॉलेज नहीं है, पढ़ाऊंगा मैं नहीं जीरो से है ही, ऐसा समझ लो मैं जी जीरो से जी ही पढ़ाऊंगा। यहाँ पर जी ऑलरेडी देखो, यहाँ पर जो भी लोग आए हैं ना आज जुड़े हैं, उसमें मैक्सिमम लोग जो है वो अकल से कहीं ना कहीं से जुड़े हैं, चाहे कोई टैरो कर रहा होगा, कोई हीलिंग में होगा, कोई रेकी कर रहा होगा, कुछ ना कुछ कोई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जहां पर हम अपने लाइफ में होने वाली घटनाओं में बदलाव ला सकते हैं, ठीक है, थ्रू ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नंबर्स को सही फ्रिक्वेंसी में देखकर सजाकर, या समझ लो कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बैठाकर चीजों को एक्यूरेसी में ला सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे किसी के फोन नंबर में आपको ना 16 या 61 दिख जाए, ठीक है, अगर ये शुरू से है, मतलब जब से उस व्यक्ति ने नंबर लिया, उसके लाइफ में देखना कोई भी रिलेशनशिप, चाहे अपने घर का हो, चाहे बाहर दोस्ती आ रही हो, चाहे अपना बिजनेस का हो, कोलीग के साथ हो, उसका हमेशा लोचा रहेगा, किसी के साथ उसकी पटरी नहीं जमेगी। उसका सबसे शुरू मतलब बेसिक रीजन ये होता है कि 6116 जो है ना, ये रिलेशनशिप को खराब करता है, एनी रिलेशनशिप। अक्सर दिखेंगे ऐसे लोग जो है दूसरे को क्रिटिक कर देते हैं, पहले दोस्ती होती है, बातचीत करते हैं, फिर जरूरत से ज्यादा क्रिटिक्स करने लग जाते हैं, जिस वजह से दोनों के बीच में एंटी हो जाती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि झगड़ा होना, मतलब मारपीट होना, ऐसा ये नंबर अक्सर ना मन मुटाव से शुरू करके फिर जो है रिलेशन को खराब कर देता है, कई बार हो भी जाता है, गर्मा गर्मी हो भी जाती है, मतलब तर्क वितर्क में बहुत ज्यादा लोग चले जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप 4 एंड 5 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, 4 का क्या है राहु और 5 है बुध, वैसे तो ये दिमाग को बहुत तेज बना देगा, इंसान बहुत शार्प सोचता है, मतलब हर दूसरे, मतलब अगर कोई चाल चल रहा है तो उसके 2 चाल पहले सोच लेगा वो, बट ये कॉम्बिनेशन ऐसा है ना कि इंसान कई बार गलत रिस्क ले लेता है, कई बार एक्सीडेंट्स भी दिला देता है, कई बार मिसलीड हो जाता है, ठीक है। बंधन हाँ योग, बंधन जी, योग भी कहलाते हैं ना उसको। हाँ बंधन योग भी कहलाता है। देखो राहु बुध का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ब्रेन शार्प बना देता है, बहुत शार्प सोचता है वो आदमी, लेकिन कई बार ना ये जो कॉम्बिनेशन, मतलब अक्सर मैंने देखा है कोई ना कोई एक्सीडेंट्स, या कोई ना कोई जो कहते हैं इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में आकर डिसीजन ले लेना जिसकी वजह से उसको नुकसान हो जाना, ये सारी चीजें दिखाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो है हम इस कोर्स में ये समझेंगे कि कौन से नंबर्स की फ्रीक्वेंसी कौन से लोगों के साथ मैच हो रही है, उसको हम लोग कैसे समझेंगे, उसका सबसे बेसिक चीज ये है कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, उसमें जो मूलांक और भाग्यांक है, मूलांक और भाग्यांक ऑलमोस्ट सबको पता होगा, डेट ऑफ बर्थ का पहला नंबर मूलांक और डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वो भाग्यांक, ठीक है। अब एक सुंदर सा मैं आप लोगों को टिप दे देता हूँ, ये सुन मतलब जान के रख लो कि अगर
कोई भी शेयर मार्केट पे पैसे लगाता हूँ, ठीक है, लिख लो ये वाले, बल्कि लिख लें क्या? लिख लो कि अगर आप लोग अगर शेयर मार्केट पे पैसे लगाते हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करने का दिन हो या जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो या बॉन्ड्स में, या आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने अपने भाग्यांक, जो भी भाग्यांक आपका आता है, उस भाग्यांक के टोटल के हिसाब से उस टाइमिंग को चेक करके अगर आप सौदा लगाते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। सपोज मैं बताता, 1 मिनट, व्हाइट बोर्ड निकाल लेते, सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। अगर आपका भाग्यांक जो है, मतलब डेट ऑफ बर्थ का टोटल, ठीक है, डेट ऑफ, मेरा व्हाइट बोर्ड क्यों नहीं खुल रहा यार, 1 मिनट, माई व्हाइट बोर्ड, भाग्यांक जो है, अगर सपोज आपका जो भाग्यांक है, भाग्यांक जो भी आएगा उसके, जैसे किसी का भाग्यांक 2 है, ठीक है, तो अगर वो व्यक्ति 2 बजे सौदा लगाता है तो उसको उस सौदे में फायदा मिलेगा, या 1:01 पे सौदा लगाता है तो भी उसको फायदा मिलेगा, 11 बजे सौदा लगाता है तो भी उसको फायदा मिलेगा, मतलब 1 एंड 1, 1+1 2 हो गया, या 1:01 पे सौदा लगाए, या 11 बजे सौदा लगाए, या 2 बजे सौदा लगाए, ठीक है, मतलब 2 का जो जितना मल्टीपल है, ठीक है, उसी तरह से किसी का भाग्यांक सपोज 5 है तो उसको सौदा कब लगाना चाहिए, 11:12 में, टोटल कितना आएगा, 5, 11:12 कितना आएगा, 11 मतलब 1 1 1 + 2 5, 11 और 12, हाँ, तो 22, इसी टाइम पे सौदा लगाना है, देखिएगा उसमें, मतलब ये अभी तक का 70-80% तक तो मैंने देखा ये काम करता है, ठीक है, जो भी आपका भाग्यांक है, अगर आप लोग अभी ये टोटल करके देख लेना कि आपका जो भाग्यांक है वो आपके मोबाइल नंबर का टोटल है, नहीं है, कितने लोगों का यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर का, सब चलिए आप लोग अभी भी कर लीजिए, हाँ तो आप अपने अपना मोबाइल नंबर का टोटल बताइए फटाफट जल्दी से, सर मेरा जो भी भाग्यांक 1 है और मोबाइल नंबर का टोटल 2 होता है। 55 दो होते हैं, फाइव सर मेरा 5 है सर मेरा 4 है। हुआ गुड, टोटल, ये तो मोबाइल कंफ्यूजन नंबर का टोटल हो गया, ये मोबाइल का टोटल या भाग्यांक है, भाग्यांक मोबाइल नंबर का 3 टोटल और 4 है। मोबाइल 5, ओके, नहीं मैं पूछ रहा हूँ किनका सेम है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मोबाइल नंबर का टोटल और भाग्यांक, मतलब डेट ऑफ बर्थ का टोटल सेम है, नहीं है सर, नहीं है हमारा। कोई नहीं, चलो अगर किसी का हो बाद में अगर चेक करना है चेक कर लेना, उस नंबर को छोड़ना मत, चाहे थोड़ा सा वो एंटी भी हो, अगर वो पुराना नंबर है तो आपको फायदा देगा, लेकिन ठीक सर है, वो 4-8 नंबर लेते नहीं ना टोटल मोबाइल का। नहीं 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 समझे, वो तो नहीं लेते, वो तो इन कॉमन नहीं लेते, लेकिन हाँ 4-8, 2-4-8 अगर आपका भाग्यांक है तो आप ले सकते हैं, काम कर सर पाएंगे, अगर गुरु जी अगर 11 और 13 हो तो 11 और 13 तो एक एक हो गया 2, और दूसरा हो गया 4, दो चार, टोटल जल्दी शिवानी का कर दे नमस्कार दो, नमस्कार सर 11 और 13 2 और 4 का चलेगा सर? नहीं 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 चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, हेलो हाँ जी हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ सर मैं कहना चाह रहा हूँ, सर हाँ मेरा भाग्यांक हाँ 8 है और मेरा मोबाइल नंबर भी 53 का 8 है और मेरा नाम भी 53 का 8 है। 8 है ना, सब में 8 आ गया,
सब में 8 आ गया, में यही डाल बोल रहे दो। ना आप? और मैंने कभी चूज नहीं किया, नाम तो पिताजी ने रखा। हाँ जी हाँ जी, नाम भी 53 का आए थे और मेरा मोबाइल नंबर है 9810196928। ये हाँ करीब 27 साल पुराना नंबर है सर, सत्ताईस हाँ अट्ठाईस साल पुराना, और ये टोटल भी नंबर 8 है। 53 का आए थे ये भी। ओके और एक और नंबर, फिर और सर जब से जियो लॉन्च हुआ ना, जियो लिया मैंने, वो 62 का आए थे, वो भी 8 है। ठीक है वो भी है ठीक है, मेहनत करते हैं ना आप खूब? सर, नहीं, आप अपने लाइफ में मेहनत करते हैं ना, बहुत ज्यादा। जी बस ग्रेट, ये आपको अच्छा रिजल्ट जी देगा, जी डोंट सर, वरी, मेरा अच्छा रिजल्ट देगा। भाग्यांक 3 है और मोबाइल का टोटल 6 है, सेम थ्री एंड है सर। सिक्स, थोड़ा सा एंटी है, थोड़ा सा एंटी है, बट ठीक है। मतलब मैं एंटी हो जाए, मतलब कैसा होता ना, ये मतभेद पैदा करता है, कई बार कंफ्यूजन पैदा करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, डिसीजन लेने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बात करना पड़ता है लोगों से कि क्या करें, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ सर, हमेशा सर हमेशा ढूंढते रहते, कोई सजेशन दे दे मुझे। ठीक है मेरा 9 सर, है और 2 है मोबाइल नंबर। सर एक पे नौ 45 दो ठीक का, ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे फिर भी ठीक है, बैलेंस। हाँ बोलिए। 45 का 9 आ रहा है ना, 45 हाँ आ रहा है, और एक 64 पे 1 आ रहा है ना। 9 और 1 आ गया ना। हाँ तो सर आप बोल रहे हैं ना कि 45 तो बंधन ही हो गया, ओवर कॉन्फिडेंट। अरे 45 वैसे नहीं मैडम, मतलब टोटल मोबाइल नंबर जो होता है ना, 10 नंबर में अगर 4 और 5 का कॉम्बिनेशन आ गया। अच्छा, हाँ टोटल मैंने नहीं बोला, टोटल एक डिजिट पे लाने के लिए बोला मैं। हाँ ठीक है, 9 नंबर और 1 नंबर। हाँ तो 9 और 1 का ठीक है, मतलब बैलेंस है। बहुत अच्छा, फायदा भी नहीं मिला, बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ इस नंबर को लेने के बाद। ठीक है, आप सर, लोग मेरा जैसे सर अभी अभी इन्होंने क्या नाम है इनका, मैं नाम भूल गया, अभी ये बता रहे थे ये देव जी, हाँ देव सिंह, ये बता रहे थे इनका सब कुछ 8 8 8 है। ठीक है, नंबर भी 8 है, ये भी 8 है, नाम भी 8 है, तो ये चलो इनका जब भी है ना, इनको नंबर इनका फायदा देगा। ठीक है, मेहनत करेंगे तो इनको देखता रहेगा। हाँ तारा जी बोलिए, मेरा तारा जी कुछ मेरा बोलिए। एक नंबर 2 पे आता है, एक 4 पे आता है, और भाग्यांक से एक भाग्यांक कितना है? है। 1 है। 1 के साथ चलो 2 तो फिर भी थोड़ा बहुत आ जाएगा, बट 4 से तो मतलब वो नंबर देखिए उतना सपोर्ट में नहीं मिला, मतलब उस नंबर से आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, रनिंग में वही है सबसे ज्यादा, और उसी से काम हो रहा है। उसी से काम कर रहे हैं, तब उसमें आपका कोई ना कोई एक से जुड़ा हुआ कॉम्बिनेशन रहेगा अंदर, मतलब जो पेयर में हम लोग पढ़ेंगे ना। डबल वन डबल नहीं है, डबल हाँ तो 11 आ गया ना। वन डबल गुरु जी नहीं। एक चीज बताइए गुरु जी, जी जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ मुझे पता है, लेकिन जो कागजों में चलती है 10/5/1978 है, तो अगर मैं जो जो आप ये सम करा रहे हैं, तो वो 10+5+1 9 या 1+0 ऐसे कराते हो कैसे? वही, ये 0 को लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, कोई बात नहीं, 0 तो 0 ही ठीक होता है, है। तो 1 1 + प्लस 0 प्लस 0 5, प्लस 5 प्लस हाँ 1 1 प्लस प्लस 9 9 प्लस प्लस 7 7 प्लस 8 प्लस 8, कितना है ये आ जाता टोटल? है आपके, ये 6 7 9 16, 16 और 7 आपका आ गया 23, और 8 31, 3+1 4। 4, टोटल 4 आया। और आपका फोन नंबर का टोटल? अगर मैं फोन नंबर का टोटल बोलता हूँ तो मेरा आता है सर 4 नंबर, 4 नंबर, नहीं हाँ 4 नंबर सर। टोटल 4, तो बच गए जी आप, सर, बच गए, मतलब ठीक है, ये नंबर रखना आप। ठीक है, ये ठीक नंबर है रखना, चालू रखना, बाकी सर, बाद में मेरा और भी टोटल बेटर सर नंबर एक मिल जाए। नंबर है, 9 मेरा बर्थ डेट है और 7 है मेरा फोन नंबर का, 9 और 7, 9 और 7 है। यस ठीक है ठीक है, अभी कोर्स कर लो, फिर नंबर चेंज कर लो। सर, मेरा 1 और 8 आ रहा है, मोबाइल का टोटल 3 आ रहा है। हाँ मोबाइल का टोटल 3 आ रहा है, ना, अच्छा, और बर्थ बर्थ का टोटल, डेट ऑफ बर्थ का बर्थ का टोटल का 8 आ रहा है, 8 गुलांग 1 और भाग्यांग 8। 8 नहीं, चेंज करना पड़ेगा, ओके सर, वैसे सबको मेरा चेंज करना पड़ेगा। टोटल आ वो रहा तो है देखो क्या है ना, 4। जब जब हम पेयर में पढ़ेंगे ना, 10 नंबर का जो 10 नंबर होता है उसमें सारे पेयर्स होते हैं, पेयर को हम पढ़ते हैं, पेयर के कॉम्बिनेशंस को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अंदर की फ्रिक्वेंसी कितनी हो रही है, कैसी हो रही है, वो देखते हैं। पहले का 5 नंबर का एक एक
पूरा वो होता है, बंच होता है, फिर बाद के 5 नंबर का एक बंच होता है, ठीक है, उनका अलग अलग फंक्शन है। ये सब जब पढ़ेंगे ना तब उसमें चीजें और क्लियर होंगी। बहुत सर इंटरेस्टिंग मेरे साइंस है, मोबाइल मजा का आ जाएगा। 4 है टोटल एंड भाग्यांक 5 है। मोबाइल का टोटल 4 है एंड टोटल 4 है, भाग्यांक 5 है ममता। भाग्यांक 5 है। हाँ चलिए जी, ठीक है, मतलब बदलना पड़ेगा ये भी, इसको भी बदलना क्योंकि इसमें सर पड़ेगा। डबल 8 बहुत आया है, वो आपने पहले भी हाँ मुझे सजेस्ट एट किया था एट सर। स्ट्रगल देता है, 8 ज्यादा यूज करते हैं। हाँ जी सर मेरा भाग्यांक है 3 और मोबाइल का टोटल है 5। भाग्यांक है 3, टोटल है 5। चलो ये थोड़ा सा कंपैटिबल, मतलब दूसरे पेयर से ये थोड़ा सा बेटर पेयर है, वो फिर आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें और इलैबरेट करके समझेंगे चीजों, ठीक हाँ है। सर, हेलो गुरु जी। हाँ जी मेरा जो भाग्यांक है 9 और मेरा मोबाइल नंबर 5 9 एंड मोबाइल नंबर 5, है। हाँ चेंज करना पड़ेगा, पड़ेगा सर, करना पड़ेगा। सर मेरा 9 है और भाग्यांक का भी 9 है सर। 9 9, ठीक है, ओके ओके रख लो ये कम से कम ना अभी ठीक रहेगा, ये कभी छोड़ना मत, भाग्यांक के साथ मैच भी हो गया। थैंक यू हेलो सर। सर, हाँ जी दिनेश जी बोलिए। सर मेरा जो भाग्यांक है 6 है और मोबाइल का 8 है सर। अरे भाई तो आपको बदलना पड़ेगा, क्या बदलना तो पड़ेगा, बदलना, नंबर बदलना पड़ेगा आज के डेट मोबाइल में। का 8 आज है? हाँ मोबाइल का 8 है ना, तो बदलना पड़ेगा आज के डेट में। एक चीज क्या है ना कि हम जब व्हाट्सएप पे नंबर चेंज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो सबके पास चले जाते हैं, तो नंबर चेंज करने पे भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने में, ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छी हमारे पास अभी एटलीस्ट सुविधा है कि जितने लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं आज के डेट में, देखो काम की सारी जी चीजें जितनी है ना वो व्हाट्सएप से जुड़ी हुई है ना। व्हाट्सएप हो जी गया, इंस्टा इंस्टा और फेसबुक तो चलो उनका अपना अपना चैट सिस्टम है, बट व्हाट्सएप में नॉर्मली हम जी नंबर से ही कनेक्ट होते हैं। तो जैसे हम जी जुड़ते हैं नंबर चेंज करते हैं, इवन टेलीग्राम में भी सेम ही प्रोसेस है कि नंबर चेंज करते हैं तो जी हमारे कॉन्टेक्ट के पास हमारा नंबर ऑटोमेटिकली चला जाता है कि ये नंबर बदला गया है, बट इंसान वही है, तो बदलने में कोई जी इशू नहीं है आज के डेट में, ठीक है। मेरा अब जी मैं जो प्रेजेंट में अभी यूज कर रहा हूँ उस नंबर का जो जो उम्र है ना वो करीब 19 साल के आसपास है, 19 साल हो चुका है, 19 साल से यूज कर रहा हूँ। जी बट क्या होता ना, देखो लाइफ में ना नंबर आपको चुनती है, आप कभी भी जाके नंबर नहीं चुनते, ठीक है, नंबर जो है वो आपको चुनती है, आप कभी भी जाके नंबर को नहीं चुनते। अगर आपके लाइफ में कुछ दिक्कतें हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप ना जब नंबर लेने जा रहे होंगे और आपका जो ब्रेन फ्रिक्वेंसी होगा वो उसी नंबर को अट्रैक्ट करेगा जो आपके ब्रेन फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करेगा, या नंबर जो है पर्टिकुलर वो नंबर जो है आपको, क्योंकि आपका ब्रेन पैटर्न ऐसा होगा तो वो नंबर की फ्रिक्वेंसी आप ही को जाकर चूज करेगी। और इस वजह से जो है जाने अनजाने में हम कई बार अच्छी चीजें भी लेके आते हैं और कई बार बुरी चीजें भी लेके आते हैं। 2 और 1 का क्या हिसाब रहेगा? 2 और 1, ठीक है, मतलब ओके ओके है, मूलांक 2 है, मोबाइल नंबर 2 है, लेकिन भाग्यांक 1 भाग्यांक 1 है और मोबाइल नंबर 2 है, ठीक है, है। हाँ ठीक, चलेगा, ठीक है, सर तभी बदल मोबाइल लेना अच्छा न्यूमरोलॉजी रहेगा। का, सर मोबाइल न्यूमरोलॉजी का और नेम न्यूमरोलॉजी ये भी लिंक करती है? बहुत ज्यादा, नेम का एक अलग साइंस है, नेम अच्छा न्यूमरोलॉजी का एक अलग साइंस है, उसको प्रोनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, वो भी पढ़ाएंगे, उसका भी एक है कोर्स आने वाला है हमारे पास, उसका भी एक अच्छा सा कोर्स आने वाला है जहां पर आप नए बच्चे का नेम जो है पहले ही रख सकते हैं, जैसे कोई बच्चा पैदा होने वाला है या कोई ऑलरेडी जस्ट डेट है कि अब बस फाइनल है कि चेंज करवाना है, ठीक है, बच्चे को स्कूल में नाम लिखवाना है, उससे पहले भी आप लोग वो क्रोनोलॉजी के थ्रू ग्रहों को देखकर, देखकर दो चीजें होती है, एक है डेट ऑफ बर्थ और एक है पूरा कुंडली देखकर, ठीक है, क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट है और उसमें दोनों ही, अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ है बट टाइम वाइम का श्योरिटी नहीं है तो उसमें भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अब नवजात शिशु है या जो रिसेंटली पैदा हुआ है तो ऑब्वियसली आज के डेट में मैक्सिमम लोग जो है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो रखते हैं, ठीक है।
गांव में भी रखते हैं आज के डेट में, सभी आज के डेट में होशियार हो चुके। तो उनका तो पता जब चल जाता है तो कुंडली के थ्रू राशि का पता ही चल जाता है, और साथ में डेट ऑफ बर्थ भी रहता है, तो क्रोनोलॉजी में और भी ज्यादा हेल्प हो जाती है कि पर्टिकुलर कौन सा जो है उसमें वाल्स और कॉन्सोनेंट डालना चाहिए। वो तो एक अलग ही सब्जेक्ट है, वो और मजेदार है, वो उसका भी एक अपना वास्ट तरीका है बहुत। वो थोड़ा एक्चुअली मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है ना वो बहुत कॉम्पैक्ट है, और एक समझ लो कि एक पैरामीटर बहुत सुंदर उसका बनाया हुआ है, तो उसको आप जो जल्दी समझ लोगे। लेकिन क्रोनोलॉजी जो है ना वो बहुत विस्तार है, उसमें बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें कम से कम 3 महीने का क्लास हमें रखना पड़ेगा। गुरु जी, तो सर नाम, गुरु जी हाँ जी, मेरा मिलांक जैसे 9 है ना, और हाँ आज हाँ तक मेरे पास मोबाइल नंबर लगा लो या मेरा अकाउंट नंबर बैंक का, वो हाँ 4-6 पे आता है। 4-6 के बाद मुझे 1 कॉम्बिनेशन मिलता है हर बेस। ना तो वो मुझे बेनिफिट दे रहा है, ना वो मेरा नुकसान कर रहा है, यानी कि ना तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, ना मुझे मेरे को इस मोबाइल नंबर से कभी कोई बेनिफिट हुआ। कैसे होगा? कितना बोला? 461 बोला ना आपने? हाँ हाँ, 4-6 पे आ रहा है टोटल, और मेरा भाग्यांक है 9। भाग्यांक है 9, 4 और 6 पे टोटल आ रहा है। भाग्यांक है 4 और 6 पे टोटल आ रहा है, किसका? मोबाइल का? मोबाइल का भी है, मेरे बैंक अकाउंट का भी यही टोटल आता है। 46, हाँ, 46 पे। इवन मैंने दो फोर्टी तीन सिक्स बार का ट्राई वन कर लिया, जितनी बार भी मैंने नंबर लिया है मेरे को 46 ही मिलता है। डेट ऑफ बर्थ मेरा 30 है, 30 है। 3 आया ना, हाँ 3 और 1, और भाग्यांक अभी आपका 64 है। 9, मेरा मूलांक 9 पे आता है। नहीं, मूलांक 3 है और भाग्यांक मेरा 9 है। भाग्यांक 9 है और टोटल 1 पे आता है। हाँ, तो आपको 9 वाला ही देखना पड़ेगा, 1 पे नहीं आएगा वो। फिर वो क्या हो रहा है ना, देखो आप, ये ऐसा ऑड कॉम्बिनेशन बन जा रहा है कि आप जो है अपना वैल्यू कुछ ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, वो हो नहीं रहा, दोनों का फ्रिक्वेंसी मिसमैच है, एक ऊपर एक नीचे। तो हमें दोनों को एक लाइन पे लाना है ताकि ठीक वो है फ्रिक्वेंसी जो है स्ट्रेट लाइन पे काम करे। ठीक ठीक है, तो फिर है, इसके लिए मैं कौन सा नंबर मैं अपने लिए देखूं? वही तो पढ़ना मतलब। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपकी है तबीयत खराब है, मुझे लग रहा है आपका बहुत गला खराब है ना? भयंकर, हाँ, आपकी आवाज चेंज लग रही है आज पहले से। गुरु जब से कोरोना हुआ तब से तो पता नहीं कितनी जी, बार ये परेशान करने आ रहा है दोबारा। रिलायंस हाँ जी, का जो नंबर है वो 701-610 से शुरू होता है। रिलाई देखो, हमेशा एक बात याद रखना, ये लिख लो आप लोग सबको, दिमाग में घुसा लो इसको, कि ना तो रिलायंस ना तो एयरटेल आपको नंबर देने वाला है। ठीक है, नंबर आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन में, वो भी पोस्ट पेड में लेना पड़ेगा, बैठ कर वोडाफोन वालों के साथ बैठ कर आपको नंबर ढूंढना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि कोई और प्रोवाइड करके दे, तो मेरे साथ ही एक कंपनी है, कंपनी मतलब क्या, मेरा एक दोस्त है, वो काम कर यही काम करता है, उसके थ्रू मैं करवा दूँ। जियो में नहीं करवाए जियो में नहीं मिलता मैडम, चॉइस नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। नहीं मिलता। ओके ओके, हमें उनका नंबर दीजिए ना, किसके पास मिलता है उसका। हाँ, तो वो एक एक देखो, दो ऑप्शन है उसका, एक सिम का 5,000 रुपये रेट लेता है वो, या तो आप 5,000 उसको दे के लो या फिर खुद बैठ के निकालो। सॉरी, द्वारा लेंगे तो थोड़ा फर्क पड़ जाएगा ना। अरे कितना फर्क पड़ेगा, आप 5 नंबर लेंगे तभी ना कम करेंगे, एक पे थोड़ी कम करेगा मेरे को। नहीं, वो तो अरे सही क्या बात है। मैडम, ऐसे थोड़ी होता नहीं, ऐसे तरफ थोड़ा है। डिस्काउंट हाँ, भी मिलेगा। एक 3-4 कस्टमर ने मिला के आपकी तरफ से दिया है ना हाँ, तुमको। ऐसा हाँ, ऐसा वही बात अगर है। हाँ 5 लोग एक साथ आते हैं तो मैं कम कर सकता हूँ, ऐसा हो हाँ सकता करेगा ना, कोई बात ग्रुप में से। है। चलिए, क्लास चालू करिए आप। अब देखो, सर, आपके चार्जेस क्या है मोबाइल नंबर बनवाने के? हाँ, मेरे चार्जेस अलग से कंसल्ट करके, वो तो मेरा 3101, वो आप अलग से कर ओके। सकते हैं। हाँ, कहाँ पर था? अच्छा, व्हाइट बोर्ड निकालते हैं पहले। तो उसमें मोबाइल नंबर भी इंक्लूड रहेगा सिम? नहीं, ये तो कंसल्टेशन फीस, सिम का तो अलग से ओके लगेगा। ओके, सिम का आपका, अगर आप मेरे थ्रू ले रहे हैं तो फिर सिम का, उसमें कंसल्ट करके लेते हैं तो सिम का जो चार्ज यहाँ बताया था वो नहीं लगेगा उतना, ऐड करना वो था कम ये हो अलग जाएगा। वो 16 हाँ, से।
17 ही में एरर हो गई। अच्छा सभी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, अब थोड़ा सा मैं बेसिक से बता देता हूँ। सर एक दफा एक बात पूछनी है, जैसे यूएसए वाले बच्चे का यदि हम फोन नंबर आपको लिखेंगे तो यूएसए का तो कोड लगाना पड़ेगा ना हमको वहां का? मैडम यूएसए और यूरोप वाला तो कंडीशन ऐसा है कि आपका चॉइस नहीं रहता है, कोई कंपनी दे देती, बात हो नहीं चुकी है, देता। नहीं देती, ओके थैंक यू थैंक यू थैंक तो वहाँ पर तो ये अप्लाई हो ही नहीं सकता। ओनली इन इंडिया इट हैपन्स, ओनली इन इंडिया, और कहीं नहीं होता। कुछ साउथ अमेरिकन कंपनीज में है, लेकिन यूएस और यूरोप के लोगों का बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, वो लोग सरकार ही रिलीज करती है उसको, गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसको। ये व्हाइट बोर्ड कहाँ गया यार, ठीक है छोड़ो मैं ऐसे ही दिखाता हूँ, पेंट में ही कर लेते हैं। एक मिनट के बाद स्क्रीन शेयर, देखो नॉर्मली क्या होता है नंबर्स के बारे में, एक थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो बेसिक का नहीं पता है। एक नंबर जो होता है वन लिखते हैं, ये इसका जो लॉर्ड होता है ये है सन, सूर्य, ठीक है। दो नंबर जो होता है ये है मून का, ठीक है। तीन जो होता है वो जुपिटर का, ठीक है। चार राहु, ठीक पांच मरकरी, छः वीनस, सात केतु, आठ सैटर्न शनि, SAT, और नौ मंगल। मार्स, ठीक है। अब यहां पर क्या है, अगर किसी के टोटल नंबर, अगर किसी के मोबाइल फोन का टोटल नंबर एक आ रहा है, हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहे क्योंकि हमें नहीं पता है, ठीक है। किसी का मोबाइल का नंबर टोटल एक आ रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ होगा ये कि इनके पास ना बहुत गिने चुने पर्टिकुलर लोग आएंगे, मतलब बातचीत भी ना, ये आप नोटिस करेंगे जिन जिन का टोटल वन है बहुत सिलेक्टिव लोग हैं बात करने के लिए। फोन आएंगे, बातचीत होगी, काम की बातचीत होगी, ठीक है। लेकिन जब आप किसी से थोड़ा पर्सनल होना चाहते हैं, या बहुत जिसको कहते हैं दोस्ती यारी हो गई है, या ऐसी जो है ना बहुत लिमिटेड लोग वाले होंगे, और नॉर्मली आप ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा फोन पे बिजी होते हुए नहीं देखेंगे, या वो वाला फोन यूज ही नहीं होगा, कम रखा रहेगा, मतलब रखा रहेगा हमेशा कम यूज होगा, और उसमें कॉल भी बहुत लिमिटेड लोगों के आएंगे। जिस मोबाइल नंबर का टोटल वन होगा, ठीक है, अक्सर वो व्यक्ति पर्टिकुलर उस फोन को या तो टेबल पे रख के भूल जाएगा, या जेब में पड़ा ही रहेगा, वो निकालेगा ही, ठीक है। दो नंबर, अगर टू आता है टोटल, ऐसा व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी दूसरे के दुखड़े को सॉल्व कर रहा होगा। इनके पास हमेशा रोने वाले कॉल आएंगे, मेरे पास तो ये हो गया, मेरे साथ पता ऐसा हो गया, प्लीज कुछ हेल्प कर दे यार, मतलब कोई ना कोई ये
दोस्ती यारी या जान पहचान के लोगों के साथ ना प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहा होगा, केयरिंग, सुपर इमोशनल, ठीक है। ये जैसे इमोशनल बातें सुनता है तो ये भी खुद इमोशनल होके बेचारा हेल्प करने लग जाता है या लग जाती है। इसके सामने अगर आपने दिल खोल दिया तो भैया इसको लगेगा कि यार बस इसको मुझे हेल्प करना है, ठीक है। मतलब ये फ्रिक्वेंसी ऐसी है ना, टोटल अगर किसी का मोबाइल नंबर 2 आ रहा होगा, आप लोग ये नोटिस करो, आपके पास कॉल आएंगे, लोग आपके पास प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। बात शुरू कैसे होगी, जैसे दो औरतें बात कर रही हैं, नमस्कार है, कैसी है, पता है कैसी हो, सब ठीक ठाक, हाँ पता है आज ऐसा हुआ, उसके बाद से ना वैसा हो गया, फिर मैं ना बहुत दुखी हो गई, इतना बुरा लगा, बताओ ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर ये बातें डिस्कस हो रही है, फिर होते होते फिर अपना प्रॉब्लम निकल गया, अपना प्रॉब्लम निकल गया, फिर उसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा सा एक कॉन्वर्सेशन चला, फिर बात जो है एंड हुई कि कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन देकर, चलो मैं कुछ हेल्प कर दूंगी या ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, कुछ ना कुछ ऐसा दे देगा, ठीक है, इमोशनल सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ भी ये भी मून वाला बहुत परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे पाता, जिनका एंड में 3 आता है, जुपिटर वाला 3 टोटल, ठीक है, टोटल का एंड में 3 आता है, ऐसे लोगों के साथ होता है। ये लोग लोगों ना सिर्फ ज्ञान देने वाले आएंगे, मतलब या तो आपके पास ज्ञान देने वाले लोग आ जाएंगे या कॉल करेंगे, या आप खुद नहीं किसी को ज्ञान दे रहे होंगे। हाँ अच्छी बात यह है कि जिनके पास 3 का टोटल है, ये जब भी किसी को एडवाइस दे रहे होंगे, किसी को भी एडवाइस दे रहे होंगे, वो उस व्यक्ति को बहुत फलेगा, बहुत फलेगा। अगर उस व्यक्ति ने जिसको ये एडवाइस दे रहे हैं एडवाइस मान ली, तो समझ लो कि उसका सलूशन हो गया, मतलब उसका जो है नैया पार हो गई, ठीक है, जिसका टोटल 3 रहेगा। अब 4 वाला जो है ना, आप लोग पता है नारद जी कैसे बोलते हैं, नारद जी का क्या काम रहता है, नारायण नारायण करते हुए इसकी बात इधर उसकी बात इधर। तो 4 नंबर वाले ना गॉसिप करना बड़ा पसंद करते हैं, ठीक है, और गॉसिप करते करते तील का ताड़ बना देते हैं, शुरू करते हैं इतनी सी बात को लेकर, उसमें मिर्च मसाला ये वो लगा के इतना बड़ा बात बना के उसको आगे छोड़ देते, टोटल नंबर 4। या फिर मुझे ऐसे लोग, एक्सेप्शनल भी होता है इसमें, हाँ जी मेरा मोबाइल का नंबर 4 है, लेकिन ये तो मेरे से बिल्कुल मेरी नेचर के विपरीत है सर। हाँ, तो आपको यहाँ पर बच के रहना है, आपको इस जितना हो सके, अगर आपके पास ऐसे कॉल आते भी है ना, आप कट कर, मतलब आप टॉपिक चेंज करना, आएंगे आपके पास कोई ना कोई आता ही बोलने के लिए, किसी दूसरे का कंप्लेन बोलने के लिए आता होगा, आप ये नोटिस करना, आपके नेचर में नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी की वजह से आपके पास ऐसे कॉल आते हैं। 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा मैं गला गर्म सर पानी पी एक के बात नंबर का करना पड़ेगा दोबारा मुझे। बताएंगे क्या सर? बताइए कौन सा, एक नंबर का थोड़ा बता दीजिए ना। 1 नंबर वालों के लिए ना थोड़ा मतलब लिमिटेड लोगों का साथ होता है, ऐसे लोगों के फोन में कम कॉल आते हैं, लिमिटेड लोगों के कॉल आते हैं, ठीक है। तो जगमोहन जी, आपके कॉल आपके फोन में ऐसे कॉल आते हैं कि कोई किसी का कंप्लेन कर रहा नहीं करते, लेकिन जो मेरा प्रोफेशन है एज ए लेक्चरर, आई एम वर्किंग एज ए एच एम सर, तो मेरा हो? तो स्कूल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बट मैं हाँ उन चीज़ों को फर्स्ट फर्स्ट आई विल क्लैरिफाई एग्जैक्टली, एंड हाँ देन है ना बहुत तब अच्छा, मैं करता हूँ, उन चीज़ों को ऐसा नहीं करता हाँ तब आपका बृहस्पति सर। बहुत मेरा अच्छा, भी तभी आपने फोर ही काम किया। आता टोटल सर, हाँ तो आप मेरा भी टोटल 4 ही है। तो गॉसिपिंग से बचना, नहीं तो फिर वो हाँ सर कर्मा, वो लास्ट प्रीवियस में सही कह रहे हैं आप कि हाँ बहुत स्टोरीज बोलने वाले और बताने वालों का अभी कम हो हाँ गया है 2-3-4 सालों से। तो सर मतलब ये फ्रिक्वेंसी की वजह से कि ये अब क्या मतलब उसमें थोड़ा जब तक चेंज नहीं करते तो उसमें हम थोड़ा अवेयर रहें। बस अब जैसे जगमोहन जी ने बोला, मैं सॉल्व कर देता हूँ, मतलब उसको निपटा देता हूँ, हाँ सर वही हो पा बस रहा है। वो, हाँ वो हो जाए तो फिर ठीक है, अवेयर होके कीजिए, फिर बाद में नंबर चेंज कर लेना, ओके इसका सर ध्यान रखना। हाँ 5 नंबर देखो, टोटल अगर 5 नंबर है, भले उसका डेट ऑफ बर्थ के साथ ये एंटी ही बैठ रहा हूँ, ठीक है,
डेट ऑफ बर्थ में भाग्यांक और मूलांक के साथ ये एंटी बैठ रहा हो तो भी 5 नंबर बैलेंसर का काम करता है। ठीक है, जैसे हम लोग लोसु ग्रिड में, आप लोगों ने, कई लोगों ने न्यूमरोलॉजी पढ़ा होगा, लोसु ग्रिड का सबसे सेंटर बीच का नंबर है ये, तो लोसु ग्रिड को भी थोड़ा सा हम इसमें टच करेंगे, क्योंकि जोगिंदर जी को कुछ उनका मतलब न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं पता, इसलिए उसमें बेसिक चीजें हम थोड़ा सा कवर करेंगे। वो मैं अभी लास्ट में भी एक लिस्ट दिखा दूंगा क्या क्या पूरे कोर्स में कवर होने वाला। तो 5 नंबर वाले जो होते हैं ना, ये अक्सर ना चीजों को बैलेंस करके चलना, या अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके चलना, या सेल्स एंड मार्केटिंग जो उनके पास है उसको उसको बेचने की जो वो होता है ना टैलेंट, उस व्यक्ति के अंदर अंदर अपने आप आ जाता है। या ऐसा व्यक्ति अपना कोई भी काम बड़े अच्छे से सेल कर सकता है, जैसे कोई भी रिटेलर है। ठीक है, रिटेलर क्यों, 5 नंबर हर हर काम के लिए, हर काम के लिए, एनी एनी वर्क, चाहे आप लेक्चरर हैं उसके लिए भी मरकरी अच्छा चाहिए। 1 मिनट, अब मेरा लगता है बोलने का फ्रीक्वेंसी घटाना पड़ेगा। तो अगर आप लेक्चरर हैं तो भी ये बहुत अच्छा लेक्चर देने में हेल्प करवाता है। अगर आप रिटेलर हैं तो अपने काम, अपने प्रोडक्ट को बेचने में भी हेल्प करता है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो एडवर्टाइजिंग करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ओवरऑल कहा जाए, अगर आपके पास ये नंबर है और आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ ये एंटी बैठ रहा है तो भी ये आपको हेल्प कर जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरह का ये न्यूट्रल नंबर है। अगर आप धंधे पानी पे लगे हुए हैं, मतलब कि पैसा कमाना है, तो ये नंबर आपको पैसा कमा के देता है। ठीक है, कम और ज़्यादा दे जाता है। ठीक है, अब जिसका टोटल 6 आता है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो है ना थोड़ा लग्जरी और मतलब ऐशो आराम इन सब के पीछे ज्यादा भागते हैं। ठीक है, प्लस ऐसे लोगों को ना कि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब लंबी दूरी की यात्रा, चाहे वो अपने देश के अंदर ही हो, वो विदेश जाना हो तो भी, और देश के अंदर हो तो भी, लंबी दूरी की यात्राएं ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनका टोटल नंबर 6 है और वो अक्सर जो है यात्राएं करते हैं, छोटी और लंबी दूरी वाली सब, कोई है यहाँ पे? मेरा सर मेरा टोटल सिक्स 6 है। है बट हाँ मैं जी, नहीं करती इतना ट्रैवलिंग, पर अभी करती हूँ, अब कर लेकिन रही हूँ। सिक्स वाला जो मेरे पास एक नंबर है उसमें तो यात्रा का बैठता ही नहीं है। 6 नहीं है, छह है 6 है, नहीं। हाँ जी, हाँ जी, अकेला ही 6 होगा फिर तो, बाकी और 6 नहीं है। फिर भी तो आप विदेश यात्रा करके आ गई है मैं तो सिंह। करती हूँ, मेरे और भी नंबर मैं तो लेके बैठी हुई हूँ। हाँ, तो जो 6 नंबर में तो ऑलरेडी आप सिंगापुर घूम के आ चुके हैं, 6 नंबर है आपके पास। तो सिंगापुर तो बहुत रहती हूँ सर, हाँ जिसका 6 नंबर है ना उनका बर्थ डेट आता है एक। नहीं तो उनको कैसे जाएगा, उनको फिर मजा नहीं आएगा ना, वो तो पूरा एंटी हो गया आएगा। उससे, नहीं आएगा। मेरा भी 6 नंबर है, पर मैं पहले कभी नहीं जाती थी, पहले मेरा ट्रैवलिंग बहुत कम था, लेकिन अभी मैं बहुत करती हूँ। हाँ, वो बढ़ाएगा ना, अभी नहीं तो कहीं, कभी ना कभी वो करवाता है, ट्रैवलिंग करवाएगा। ठीक है, सर लेकिन हाँ 9 और 1 अच्छी बात का यह है। क्या कॉम्बिनेशन है? बर्थ डेट का 9 है और 1 नंबर है फोन का मेरा, तो चेंज नहीं ठीक नहीं, आपको चेंज करना पड़ेगा। सर। 1 और 6 भी एंटी है, और एंटी है, 1 और 6 भी एंटी, वो हम थ्री और पढ़ेंगे क्या पूरे कोर्स है में, सब सर? पढ़ेंगे, उसका पूरा एक लिस्ट है, पूरा ओके लिस्ट जी, है आप लोगों के पास, क्लियर हो जाएगा। तो वो एक बार लिस्ट याद हो गया ना आप लोगों को, वैसे ही आप खुद ही करने लग जाओगे। ठीक है, मैं पढ़ा लेता हूँ पहले, खत्म कर लीजिएगा। हाँ 6 नंबर का लग्जरी है। ठीक, 6 नंबर का लग्जरी है, व्यक्ति जो है लग्जरी के पीछे पैसे खर्च करता है, परफ्यूम, ब्रांडेड कपड़े, इन सब चीजों। 7 नंबर जो है ना, 7 नंबर किसी का टोटल में आता है, तो ना ये व्यक्ति एकांत प्रिय होगा। ठीक है, ओ ये तो कम गलत बात कर। करने वाला, कम बात करने वाला एकांत प्रिय होगा, लेकिन जब तक इससे कोई सलाह ना मांगे तब तक ये सलाह नहीं देगा, लेकिन अगर किसी ने इससे सलाह मांग ली तो ये व्यक्ति हमेशा अच्छी सलाह देगा, हमेशा, और एकदम हाई फंडा स्पिरिचुअलिटी वाला सलाह देगा, हाई फंडा स्पिरिचुअलिटी। मतलब ये आदमी को अगर कोई आके ये बोले ना इसके सामने कि भैया मुझे बचा लो, या ब्लेसिंग्स दे दो, या कुछ भी करके बचा लो, तो ये व्यक्ति ना
निछावर कर लेगा जब तक इसको बोला ना जाए, ये नहीं करेगा कुछ। अगर इसके सामने आके आप सरेंडर करते हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर, तो ये हेल्प कर देगा। अगर इसके आप सामने आपने कोई मदद नहीं मांगी तो ये कुछ नहीं करेगा, नथिंग, साथ वाला, ठीक है। लेकिन ये भी थोड़े से ना बचते हैं सोशलाइट होने में, ज्यादा भीड़ भाड़ या ज्यादा लोगों के कॉल रिसीव करने से बचते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम चाहते हैं, इनका एक बड़ा स्ट्रिक्ट रूल होता है, ये मैंने देखा है टोटल साथ वालों का, बहुत मजेदार ये स्ट्रिक्ट रूल होता है कि ये पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड के लिए ही अपना फोन ऑन करते हैं। जैसे वो है भी एक मेरे है स्पिरिचुअल गुरु है, बहुत अच्छे है, उनका फोन ऑन होने का टाइम है दोपहर के, मतलब तो हाँ 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, उसके बाद बंद, उसके बाद बंद, यही टाइम है 12 से 6 के बीच में। जिसको कॉल करना करेंगे, रिसीव होगा तो होगा, कई बार नहीं भी होता है, ठीक है। और एक है जान सर, पहचान, सेम है सर, सर मेरा भी सेम है, भाग्यांक कभी सेवन हो है। तो उस पे भी लागू होता है यही बात। हाँ, भाग्यांक पे भी हो तो उस पे भी लागू होता है सेम बात। इसी तो मैंने कहा कि अगर सेम सेम है भाग्यांक और का टोट भाग्यांक और मोबाइल नंबर का टोटल अगर सेम है तो उस नंबर को आप रख सकते हैं, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब बाकी हम लोग जब पढ़ेंगे आगे उसमें कि कौन से नंबर का कौन सा पेयर बना हुआ है, जिससे आपको अगर कोई नुकसान हो रहा है तो नुकसान की भरपाई के लिए उस नंबर को किस तरह से इस्तेमाल करना, वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सर भाग्यांक 6 6 है और मोबाइल 7 है, तो सर एंटी हो गया ना मैडम, एंटी है। एक 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 बोलेगा कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, दूसरा बोलेगा नहीं भाई एंटरटेन तो करना है, क्या कर रहे हो, कंफ्यूज होके बैठे हो घर में, क्या करे ना करे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे ही तो चलता है आपके साथ। हाँ सर, डिसीजन मेकिंग बहुत ही खराब है, कंफ्यूजन हाँ, अब देख बहुत। बहुत ज्यादा, अब देखिए 8 नंबर, 8 नंबर सैटर्न का, 8 नंबर सैटर्न संघर्ष देता है, ठीक है। 100% हर चीज को डिले करेगा। अगर आपने अपने फोन नंबर में मल्टीपल 8 ले लिया या टोटल आपका 8 है तो भी ये रगड़ रगड़ के चीजें देता है, बिना रगड़े नहीं देता। हाँ, एक अच्छी बात इसमें यह है कि अगर आप मेहनती हैं खुद, मतलब मानसिक रूप से शारीरिक रूप से हर तरह से परिश्रम बहुत करते हैं, ठीक है, मतलब परिश्रम में कोई भी कमी नहीं है, तब ये 8 नंबर आपको अर्श से फर्श तक ले जा सकता है। ये एबिलिटी पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ 8 के अंदर है, ठीक है। सर अगर दोनों 7 हुआ तो क्या होगा? सर तो फिर जय जय श्री राम और राम 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 जपते रहिए घर में बैठ के, क्या करें, भगवान का नाम लेते रहिए। और अगर दोनों कोई 8 आपसे, नंबर। हाँ कोई आपसे आके मदद मांगे तो आप जाके मदद कीजिए, खुद से जाके, मतलब खुद से आप मदद ना करें किसी को, जाके कोई मांगने आए तभी। करियर के लिए सर है, करियर के लिए सर। करियर के लिए आप बहुत सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब सिलेक्टिव हो जाएंगे, मतलब वो जिसको ले लिया बस उसी को लेके ही चलना है, मतलब 7 नंबर जो ना करियर में रिजिडनेस लाता है, बहुत ही नैरो कर देता है वो करियर। अगर आप किसी एक चीज में है तो उसके अलावा किसी दूसरे चीज को आप अपनाना नहीं चाहते, ठीक है। आठ किसी एक में जाना चाहता है तो एक में, जैसे जैसे 7 नंबर वाले के लिए 3 ही ऑप्शन होते हैं करियर में, एक है अकल्ट, दूसरा है रिसर्च, ठीक है, दूसरा है डीप रिसर्च, बहुत डीप रिसर्च, और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी, जैसे जो हम लोग लैब का यूज करते हैं ना टेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, वो वाला काम, ये 7 नंबर वालों के लिए सबसे अच्छा सर है। एट एट कैसा रहेगा? रियल एस्टेट कैसा है सर? रियल एट स्टेट बर्थडे और नहीं, नो नो, रियल नंबर स्टेट के लिए 7 नंबर बहुत सुटेबल नहीं, 8 8। अकेला 7 नहीं कुछ कर पाएगा। नहीं तो रियल स्टेट मेरा का आ अच्छा रहा है, रियल स्टेट का नंबर देखो ना नीचे, ये 9 9, ये रियल स्टेट का नंबर है मंगल का, ठीक है। ऐसे। मेरा एक मोबाइल है जिसमें मूलांक 9 है और भाग्यांक 4 है। और आपका मोबाइल नंबर का टोटल 7 है। नहीं मेरा 2 मोबाइल नंबर है हाँ, जिसमें जिसमें टोटल जोड़ने पे आ रहा है 4, और एक मोबाइल का आ रहा है वो है 7। हाँ, तो 4 वाला तो फिर भी ठीक है, आप अपना मार्केटिंग वार्केटिंग के लिए, जैसे
आप रियल स्टेट में हैं तो रियल स्टेट के मार्केटिंग के लिए आप थोड़ा बहुत इसका यूज कर सकते हैं 4 नंबर वाले का, वो भी फिर भी निपटा देगा। लेकिन 7 नंबर से आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, 7 नंबर एक चीज कर सकते हैं आपके साथ कि थोड़ा ना ऐसे लोगों के साथ लिंक करवा सकता है जो आपका काम करते, चुपके चुपके काम करें, मतलब वो ज्यादा हाईलाइट ना हो, ऐसे व्यक्तियों से काम करवा देगा, ये वो काम करवा देगा। अच्छा, शायद यानी दोनों रियल तो एस्टेट के लिए उसको यूज करूँ वाले को क्या हाँ, 4 वाले को नहीं, वाले को। आप पहले अगर कोर्स कर लो ना ज्यादा अच्छा है, ताकि रियल अच्छा अच्छा स्टेट का पर्टिकुलर एक कोड है, वो रियल एस्टेट वालों के लिए द बेस्ट होता है, मजा आ जाता है फिर ओके उसके बाद, फिर मजा आता है ओ फिर, शायद दोनों और रियल स्टेट तो वैसे ही बूम होने वाला है अभी। एडेड होता ऐसे। एट एट मेरा एट एट का बताया ना, संघर्ष। नहीं, दोनों एट हो, बर्थ डेट और फोन नंबर। हाँ तो अभी तो 3-4 उदाहरण मैंने दे दिया है कि भाग्यांक और आपका मोबाइल नंबर का टोटल सेम होता है तो वो रखना है, मैंने 7 उदाहरण दिए हैं। ओके ओके, मतलब 99 हो, 88 हो तो रखना है। ओके हाँ रखना है। हाँ गणेश जी बोलिए। ऐसे मेरा डेट ऑफ बर्थ के अनुसार हाँ 11/17/1970 है, तो मूलांक हो गया 8 और भाग्यांक हो गया 9। ठीक है, भाग्यांक 9 के हिसाब से तो आप काम भी सही कर रहे हैं, लेकिन आपको जी नंबर अब लेना है टोटल 9, ठीक है, अच्छा, भाग्यांक के ऐसा साथ मैच कराइए आप, अच्छा ऐसा मोबाइल हो जिसका टोटल नंबर 9 हो। 9 हो। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है उसके अंदर का, जो मैंने बोला कि 10 नंबरों में से पेयर ढूंढना पड़ता है कि कौन सा पेयर रियल एस्टेट के लिए है, कौन सा पेयर मार्केटिंग के लिए, यही तो पढ़ना है इस सब्जेक्ट के अंदर। ओके ओके, एक मेरी मोबाइल नंबर है जिसमें 7782923779, टोटल टोटल बताइए सर, टोटल 7 आ रहा है, इसको मत रखिए, इसको नहीं रखना। नहीं रखना। ओके ओके, एक है, अरे एक सर, है, आप ही का डिस्कस करें तो बाकी क्या करेंगे बताइए। सॉरी 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 सब सॉरी सब अपनी अपनी दुकान खोल के बैठेंगे तो मेरी पढ़ाई कौन सुनेगा भाई। सॉरी 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 हाँ ठीक है, तो ये 8 नंबर जो है संघर्ष देता है, 9 नंबर क्या देता है, 9 नंबर वाला व्यक्ति के ना अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी हाई होता है, तो ऐसे व्यक्ति को ना आप कभी भी खाली बैठे हुए नहीं देख सकते, इसको कहते हैं काम का भूत, क्या बोलते हैं, काम वाला भूत, इसको काम चाहिए, हमेशा काम चाहिए और बहुत हाई एनर्जी में रहता है। अगर किसी नंबर का टोटल आपको 9 दिख रहा है तो ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसा काम उसके पास हमेशा रहना चाहिए कि जिसमें पसीना आना चाहिए, भाई काम करके मजा आ गया, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक में भी काम करता है ये, बट ये क्या करता है ना, एनर्जी का बूस्टर होता है ये 9 नंबर। अगर किसी के मोबाइल नंबर के टोटल में 9 है और डेट ऑफ बर्थ में भी 9 है तो समझ लो कि बस सोने पे सुहागा, मजा आ जाएगा लाइफ में। और ऐसा व्यक्ति अगर स्पेशली फील्ड वर्क करता हो, जैसे सर्वेयर होता है या जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, उनके लिए भी ये नंबर बहुत ज्यादा सूट करेगा। इवन जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए भी 9-9 बहुत अच्छा काम करता है, रियल स्टेट वाले 9-9 बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो बेसिक फंडा ये है कि ये जो नंबरों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे टोटल का, ये आपके भाग्यांक के साथ मैच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाग्यांक के साथ अगर ये मैच हो रहा है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बट उसके साथ साथ क्या है, सपोज 1 मिनट मैं इसको डिलीट कर देता, सर भाग्यांक के साथ क्यों मैच होना चाहिए? भाग्यांक के साथ इसलिए मैच होना चाहिए कि भाग्यांक जो है ना आपके लाइफ का वो पार्ट है जो आपके भाग्य को सपोर्ट करता है। हर कोई क्यों परेशान है, कोई ज्योतिषी के पास क्यों आता है, भाग्य देखने या भाग्य सुधारने आता है ना, किस्मत कि मेहनत तो कर रहे हैं भाई लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा, भाग्य क्यों साथ नहीं देता, इसीलिए भाग्यांक के साथ जोड़ना है आपको। मूलांक तो आप हैं, आप खुद हैं, आपका वो स्वभाव है, ठीक है, लेकिन कौन सा नंबर ऐसा है जो आपके भाग्य में वृद्धि करता है, उसके साथ आपके आपके फोन फोन नंबर का टोटल आना चाहिए।
इसके अलावा भी अभी है पूरा, बहुत बड़ा लिस्ट है। ये तो जस्ट मैंने एक कॉमन ट्रिक बताया कि उन लोगों के लिए कि जो लोगों को कुछ नहीं पता होता, और ऑलरेडी आप लोग ऐसा नंबर लेके बैठे हैं जो भाग्यांक और आपका मोबाइल नंबर का टोटल और भाग्यांक सेम है, तो उस नंबर को हटाना नहीं है, उसको अपने पास रखना है, क्योंकि वो प्रॉफिट देता है, क्योंकि वो आपके भाग्यांक के साथ उस पर्टिकुलर फोन नंबर का फ्रिक्वेंसी मैच है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना नंबर है इस मोबाइल के अंदर, जो मेरा नंबर है सबसे पुराना 19 साल वाला, वो मेरे भाग्यांक के साथ मैच है। उसके अलावा मेरे पास 6 नंबर है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको बंद नहीं किया। इसमें एक डिफॉल्ट है जिसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे वो मैं इस नंबर जो का उदाहरण मैं बताऊंगा, उस डिफॉल्ट के कारण मेरे लाइफ में एक बहुत तगड़ा चीज हुआ था जिसको मैं अभी तक भुगत रहा हूँ, लेकिन ये नंबर मेरे को बहुत फायदा दे चुका है और दे रहा भी है, इसलिए मैं इसको छोड़ता नहीं, क्योंकि ये मेरे भाग्यांक के साथ पूरी तरह से अलाइंड सर मैं एक बार पूछना चाहता है। हूँ। मेरा जो मीन्स भाग्यांक है 9 है, लेकिन मेरे पास 2 मोबाइल नंबर है। एक का नंबर आता है 5 में और एक का नंबर आता है 9 में। उसमें कौन सा अच्छा है होगा, क्योंकि मैं ज्यादा यूज करता हूँ 5 का। तो अगर आपका काम 5 वाले से बन रहा है, क्योंकि 5 वाला का मैंने अभी क्या बताया, वो बैलेंसर का काम करते हैं ना, 5 नंबर, पांच नंबर अगर आप कोई बिजनेस में है या कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको लोगों से बात करके अपना जो भी है सर्विस या प्रोडक्ट बेचना होता है, तो ये 5 नंबर बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा देता है रिजल्ट, ठीक है। और नाइन नाइन से मैच किया हुआ है तो वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा, अगर खासकर अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हो या कोई भी ऐसे काम से जुड़े हो, तो वहां पर ये बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। नाइन नंबर, सर पहले एक सर आप मिनट समझा दे, फिर सर, बाद में क्वेश्चन ले ना सर, तो वो हाँ एक जैसा आते रहेगा ना। राइट राइट ठीक है। इसके बाद जो ये तो एक दो नंबर का ये हो गया। अब देखो कैसा होता है कि हर एक नंबर का ना एक एंटी नंबर होता है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 1 है, 1 का एंटी कौन कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले 4, ठीक है, दूसरा 6, तीसरा 8। 1 के साथ जब जब कॉम्बिनेशन इनका बनेगा तो वो डिस्ट्रक्शन ही लाएगा, ठीक है। जैसे 1 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन अगर बनता है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा, ऐसे व्यक्ति के साथ ये होगा कि ऐसा व्यक्ति गुस्से में आकर डिसीजन लेने वाला होता है। ये उन लोगों के लिए एकमात्र अच्छा होता है, अब मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पर, जो लोग गुंडा माफिया होते हैं, जो डर दिखा के अपना काम करते हैं, ठीक है, कहीं पर जमीन को जबरदस्ती हथियाना हो, ठीक है, तो आज के डेट में हम लोग कहते हैं ना माफियाज हैं, और अपना तो वट है भाई, अपना तो दबदबा है, तो उनके लिए 1-4 अच्छा काम करता है। अगर आपने ले लिया और कहीं पता लगा कि आप वट दिखाने चले गए और वो एरिया आपको वट दिखाने का नहीं है, तो पिटाई हो जाएगी, तो ये नंबर नहीं लेना है 4-1, क्योंकि ये एंगर बढ़ाता है, गुस्सा, ठीक है। 1-6 का बताया मैंने, 1-6 क्या है, रिलेशनशिप का इशू देता है। 6 नंबर एनी रिलेशनशिप, लग्जरी, ठीक है, कंफर्ट को हम दिखाते हैं। और 1 के साथ क्या आता है, 1 होता है सूर्य, तो सूर्य के साथ शुक्र का कनेक्शन बैठ जाता है, जिससे शुक्र जो है वो जलने लग जाता है। एकमात्र शुक्र ऐसा, मतलब शुक्र के साथ सूर्य का ऐसा एंटी है कि वो पूरी तरह से शुक्र के सामने, मतलब सूर्य के सामने खत्म हो जाता है, तो जिस वजह से रिलेशनशिप का इशू आने लग जाता है। व्यक्ति के अंदर सबसे पहला काम करता है ईगो, ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि रिलेशनशिप वहां पर फिर स्टैंड नहीं हो पाता, ठीक है। इसलिए 1 और 6 को भी एंटी माना गया है, ऐसे नंबर हो तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। 1 और 9, सॉरी 1 और 8, माफ 1 और 8, 1 और 8 क्या है, शनि और सूर्य। शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन हम क्या समझते हैं, शनि जो है वो कहता है कि मैं, आप बेटा का रिलेशन नहीं होता। सूर्य बोलता है कि तुम्हें मेरी ऑर्डर सुननी चाहिए क्योंकि मैं राजा हूँ, शनि बोलता है कि मैं भी तो राजा का पुत्र हूँ, मुझे नहीं सुनना, मुझे अपने रूल्स फॉलो करवाने, ठीक है।
वापस ये जो है ना क्या करता है, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव बना देता है, जहां जरूरत नहीं है वहां बात नहीं करते, जहां जरूरत है वहां पर, जहां मतलब जहां जो बोलना होता है वो ना बोलकर उठपटांग सी बातें करते, मतलब बेकार का विरोधाभास शुरू होता है जीवन के अंदर, या आप कुछ और समझाने की कोशिश करते हैं लोगों को कुछ और समझ में आने लगते हैं। और एक चीज ये होता है कई बार ये लोग अपना हाई प्राइस कर देते हैं, मतलब जितना का उनके अंदर क्वालिटी नहीं है उससे ज्यादा वो लोगों के सामने एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जैसे अगर किसी ने 100 रुपए का काम किया तो 1,000 रुपए का डिमांड करता है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति 100 रुपए का काम करता है लेकिन डिमांड करता है कि मुझे 1,000 रुपए देना चाहिए, मैंने 1,000 रुपए काम किया। अपने वैल्यू को हद से ज्यादा बढ़ा के रखना, 1-8 का कॉम्बिनेशन देना, ठीक है। इसी तरह से 2, 3, 4, 5, 6 इसका पूरा कॉम्बिनेशन का एक लिस्ट है, उसका वो लिस्ट के अंदर हम लोग पढ़ाएंगे कि कौन सा क्यों आता है, किस तरह से उसका कनेक्शन बनने पे क्या इफेक्ट आता है, उस सारी चीजों को हम डिटेल में इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्या क्या इसमें पढ़ना है वो मैं एक बार शेयर कर बोलता गुरुजी, मैं एक बात कहूंगी। हूँ। जी मैंने इतने लोगों को सुना है ना, पर हाँ एक बात ऐसी बोली देते हो जो बिल्कुल आई ओपनिंग तो होती है। जी बोलिए क्या। हेलो, हाँ जी कौन सी ऐसी बात। जैसे अभी, जैसे मतलब कि मैंने इतनी मैंने लोगों को सुना है नॉलेज देते हुए, है ना, हाँ जी हाँ जी फिर भी ऐसे पॉइंट बताई देती हो जो ठीक बैठती है। वैसे तो सारी बातें ऐसी ठीक ही बैठती है, पर कुछ एक हो जाती है कि बिल्कुल खोल देने वाली होती है कि वाह, यही चाहिए था, बस यही अच्छा चाहिए था जी। अच्छा अच्छा थैंक यू। हाँ जी मोस्ट वेलकम। एंट्री नंबर नहीं लिखाएंगे क्या सर? खाली क्या आप एक का ही लिखा ही है, एक का ये एंट्री नंबर नंबर। मैडम लास्ट है मैडम ना, इसी में करना है क्या, कोर्स ज्वाइन नहीं करना आपको, कोर्स अब कितना कोर्स करूं? अभी आपका वॉच वाला तो तो कोर्स फिर मेरा मैं चालू आपको आपको मैं दे दूंगा पर्सनली, पूरा बता दूंगा। चलिए थैंक यू। सर क्रोनोलॉजी भी लाने वाले हैं क्या आप? हाँ क्रोनोलॉजी भी लाने वाले। शनिवार को करवाएंगे ना सर वॉच वाला, तो रिस्ट वॉच वाला तो। हाँ हाँ वो जैसा रेगुलर है वैसे ही चलेगा। ठीक है, उसमें तो मैं जुड़ी हुई हूँ आपसे। एक मिनट जाओ अपना। सर अभी तक आपने जितना नंबर बताया ना, तो उसी दौरान मैंने बहुत सारे मोबाइल नंबरों की टोटलिंग की। उसमें एक निकला कि अभी मैंने 3 डेज पहले जिम ज्वाइन किया, उसका नंबर 9 आ रहा है। सर रिलेट टू एक हाँ तो कनेक्शन अच्छा है ना, सर। तो नौ यस नंबर सर, आपने, अगर 9 नंबर आया है वहां पे तो वो आप ये उस समझ के मोबाइल नंबर चलो। का टोटल किया मैंने, अभी मैंने हाँ ज्वाइन किया, नया है कोई, तो मीन्स की एक मार्स से रिलेटेड। तो आपने जो मार्स के कंडीशंस हाँ बताए ना सर, यस, वो समझ लो कि वहां जाकर आपको ये फायदा होने वाला है कि बॉडी वेट जो है ना बहुत फास्ट घटेगा। मतलब लोग परेशान हो जाते हैं जिम जाकर, यार वेट नहीं घट रहा वेट नहीं घट रहा करके, ठीक है, और आपके साथ ऐसा होगा कि फटाक से वेट घट जाएगा, जाओगे अच्छा हाँ सर, क्योंकि आपको बहुत फटाफट ऐसा, दिखाएगा। बहुत जगह ऐसा हो रहा था कि मन ही नहीं, जा गए और विजिट किए, नहीं होता है अरे नहीं जाना, यहाँ पे ज्वाइन भी किया, बट आपके इस टोटल के उसमें ना, मैं उसी को टोटल करी थी अभी, उसी नंबर को, उसमें सर 9 निकले और आप 9 की विशेषता बता रहे थे अभी आप, तो हाँ थैंक यू तो सर फिर वो सर तो। कौन। हाँ सर नमस्ते सर नमस्ते जी, जी। मुझे पूछना है कि कौन नंबर कौन सा लेना चाहिए मोबाइल नंबर? नंबर कौन से लेने चाहिए, हाँ जी तो आप इसी क्लास में सीख जाओगे क्या।
नहीं ठीक है, ओके। नहीं, आपको सीखना है या सिर्फ मोबाइल नंबर लेना है, ये बता दो, ये क्लियर करो पहले। नहीं, मुझे ये पूछने का मतलब नहीं था सर, मेरे को सीखना है ये मतलब नहीं था मेरा पूछना। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपका पूछने का मतलब ये नहीं था। आपने पूछा कि कौन सा नंबर लूँ, ये पूछा है ना। हाँ अब जी, देखो, 9 नंबर का सीरीज है, हाँ, ठीक है, तो 9 × 10 कितना होता है? 9 × 10 90, 90। अब 90 90 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है, जी, ठीक हो है। गया ना। अब 90 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अगर आप समझ के चलो कि ढूंढना पड़ेगा ना कि वो आपके डेट ऑफ बर्थ के भाग्यांक के साथ वो किसना मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है, उसका हाँ तो मैं एक यही बहुत मार, लंबा प्रोसेस है। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ अगर मैं अभी आपको ऐसे बता दूं तो वो तो फिर मुझे मुझे भी टाइम देना पड़ेगा, मुझे भी तो कैलकुलेट करना ही है इसके लिए। गुरु जी, इस कोर्स की फीस जी जी कितनी है जी सर, आपकी? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मेरा ना वो पीपीटी जरा खुल नहीं रहा, एक मिनट ना, मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को कर लेता हूँ। पीपीटी है, उसके अंदर मैंने सारा डिटेल है। और सर 6 नंबर भी बहुत वैलिडेट कर रहा है, जब से बेटे को मैंने दिलाया है वो सिर्फ घूमने की बात, जाते नहीं है घूमने बट इसके मुंह हाँ से निकलता है चलो कहीं घूमने तो चलो, मतलब एक वो उसकी फ्रिक्वेंसी सर है ना मोबाइल की, जब से दिलाया है उसका टोटल आ रहा है 6 सर। अच्छा, हाँ नहीं, 6 वालों के साथ आ जाता है। 6 वालों के साथ ना कैसा होता है ना कि वो मैंने अभी रिसेंटली किसी को दिया था, 6 महीने पहले बताया था आपको, तो वो उसके बाद से वो कह रहे कि चलना भाई उधर घूमने चलते हैं, चलना भाई इधर घूमने चलते। अरे भाई तुझे जाना तो जाना, मुझे क्यों खींच रहा है, ठीक है। तो हाँ उसके सर, मतलब डिसअपॉइंट हो जाते हैं ना वो, क्योंकि हमारी तरफ से हम ही इतनी इजीली मिलेगी नहीं मदर से, यस तो वो यस वहां, और लेकिन वो फ्रीक्वेंसी जो आप बता रहे हैं ना वो बहुत सही जा रही है इसमें, सिर्फ अभी टोटलिंग में सर, हाँ, मतलब कोर्स करने में सर मजा आएगा नो मजा डाउट आएगा, है ना बहुत सर। मजा आएगा, यस बहुत सर, मजा यस आएगा। सर, देखो ये एक्चुअली अकल अपने, से भी रिलेटेड है ना। हाँ इसीलिए इसको मैं ही पढ़ाऊंगा। अब जो इसमें ये जो हमारे एकेडमी का नंबर है, एकेडमी के हेड को जानते ही आप लोग, आचार्य राजीव जी एंड पूनम जी हैं। इसका जो डिटेल है ना, ये देखिए यहाँ पर है, बट ये थोड़ा सा साफ नहीं है, मैं दूसरा एक इसमें ओपन कर लेता हूँ। ये है कंटेंट, मॉड्यूल 1। ये मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 ऐसे डिवाइड किया हुआ है, लेकिन हम लोग ऐसे रफली पढ़ेंगे और इसमें जो है कैसे कैसे क्या बनता है ये दिखाएंगे, समझाएंगे। सबसे पहला जो है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी चार्ट क्रिएशन, जिसमें हम लोग लोसो ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर नंबर वाइब्रेशन एंड मीनिंग, जो ऑलरेडी कुछ कुछ मैंने आज अभी बताया है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड मॉड्यूल में आता है द सिग्निफिकेंस ऑफ मोबाइल नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, हाउ मोबाइल नंबर इन्फ्लुएंस आर लाइफ, जैसे अभी मैंने कहा कि कैसे किस तरह से टोटल की एनर्जी आती है, तो उसी तरह से दूसरे प्लेयर्स की क्या एनर्जी होगी, द रोल ऑफ मोबाइल नंबर इन वेरियस लाइफ करियर रिलेशनशिप हेल्थ फाइनेंस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों थे CRHF जो है, यानी करियर रिलेशनशिप हेल्थ एंड फाइनेंस, तो ऐसा नंबर हो जो चारों को सही से चलाए। कभी भी ऐसा नहीं होगा ना कि हम किसी करियर के लिए ही ले रहे हैं, बाकी को नहीं ध्यान नहीं दे, तो ऐसा तो हम कितने मोबाइल नंबर रखे, तो 4 चीजों के लिए 4 मोबाइल नंबर रखना पड़ेगा, तो हमें हमेशा ये ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिससे ये तीन चारों कवर हो जाए, करियर भी, रिलेशनशिप भी, हेल्थ भी और फाइनेंस भी। द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल नंबर वाइब्रेशन ऑन पर्सनल एनर्जी, वो तो ऑब्वियसली जब हम कनेक्ट करेंगे, कर रहे हैं भाग्यांक के साथ, मतलब डेट ऑफ बर्थ के टोटल के साथ, तो वाइब्रेशन के साथ जब पर्सनल एनर्जी जब कनेक्ट होती है तो क्या इम्पैक्ट होता है, उसका भी थोड़ा सा हिंट मैंने अभी यहाँ पर दिया, बाकी और भी डिटेल में पढ़ेंगे। मोबाइल नंबर एनालाइजिंग मोबाइल नंबर्स, जो ऑलरेडी मोबाइल नंबर है उसके हर एक चीज़ों को कैसे पेयर वाइज करेंगे, जैसे ब्रेकिंग डाउन द मोबाइल नंबर इंटू कोर कॉम्पाउंड, कैलकुलेटिंग द डोमिनेंट नंबर एंड इट्स इन्फ्लुएंस, इंटरप्रिटेटिंग नंबर कॉम्बिनेशन एंड देयर सिग्निफिकेंस, आइडेंटिफाइंग लकी एंड अनलकी नंबर इन मोबाइल नंबर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कई बार कई लोगों के मोबाइल नंबर में ना रिपीट होगा, कई नंबर रिपीट होते हैं, वो कितना इफेक्ट डाल रहे हैं वो भी हमें बहुत अच्छे से इसमें पता चलेगा। केस स्टडीज इन डिफरेंट मोबाइल नंबर्स, आप लोग जितने भी लोग एनरोल करेंगे
उन सबका जो मोबाइल नंबर है उस सबको एनालाइज करेंगे हम लोग केस स्टडीज में, ठीक है। मोबाइल नंबर कंपैटिबिलिटी एनालाइजिंग, कंपैटिबिलिटी बिटवीन मोबाइल नंबर्स, आइडेंटिफाइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंट्रैक्शन, द रोल ऑफ मोबाइल नंबर कंपैटिबिलिटी इन रिलेशनशिप एंड बिजनेस, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज एंड कंपैटिबिलिटी एनालिसिस। उसके बाद लास्ट मॉड्यूल जो है वो सिलेक्टिंग मोबाइल लकी मोबाइल नंबर, फैक्टर्स टू कंसिडर वेन चूजिंग लकी नंबर्स, अनलाइनिंग मोबाइल नंबर वाइब्रेशन विद पर्सनल गोल्स, न्यूमरोलॉजी बेस्ड मोबाइल नंबर सिलेक्शन टेक्निक्स एंड प्रैक्टिकल गाइडेंस एंड चेंजिंग मोबाइल नंबर। ऑलमोस्ट ये वाला मॉड्यूल, फोर्थ एंड फिफ्थ मॉड्यूल जो है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है नेम वाइज, ठीक है, मतलब डिस्क्रिप्शन वाइज थोड़ा सा फर्क है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। मेनली हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ये कोर्स जो है 1 मंथ का है, ठीक है, 21 अगस्त से शुरू होने वाला है, स्टार्टिंग फॉर 21 अगस्त। क्लास टाइमिंग इज वेडनेसडे एंड थर्सडे दोपहर 2 बजे, वेडनेसडे एंड थर्सडे दोपहर 2 बजे, 8+8 N+ क्लासेस होंगी, सेशन ऑन जूम, क्लासेस ऑन जूम एंड रिकॉर्डिंग भी आपको 2 साल तक अवेलेबल मिलेगा। डाउट क्लियरिंग सेशन भी रहेगा, प्रैक्टिकल केस स्टडी जो ऑलरेडी उसमें मेंशन है, एकेडमी मेंबरशिप बेनिफिट्स सब तो है ही, रिपीटिंग फीस, रिपीट फ्री वंस, स्टडी नोट्स, कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है। इसका चार्जेस नहीं लिखा हुआ, एक हाँ ये लिखा हुआ, फीस फॉर ऑल स्टूडेंट्स है 2999, ठीक है, 2,999 रुपये इसका 1 मंथ का फीस है, 2999, ठीक है। 1 महीने का ये फीस है, 1 महीने के अंदर टोटल 8 क्लासेस होंगी, 8 क्लासेस में इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो जो जो इंटरेस्टेड है, नीचे जो दिए गए नंबर है अकाउंट नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, और इसी नंबर पे यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग पेमेंट कीजिए और जल्दी से इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट हैं तो पुराने स्टूडेंट के लिए तो कुछ स्पेशल मुझे बोलना नहीं है, लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं, कोई भी यहाँ पर अभी नया आया हो, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है, 7982552301 और 9991195 19, ठीक है। तो यहाँ पर पुराने क्या, वालों में क्या है सर? हम तो पुराने मेंबर हैं आपके इस हाँ तो इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट के, तो हम तो पुराने मेंबर हैं, हम तो कई कोर्स कर चुके हैं। हैं? नहीं, तो ये 1 महीने का कोर्स है ना मैम, ओके ये 1 महीने वाला कोर्स है, 2 महीने वाले में मिलता है डिस्काउंट, ऐसे एक महीने क्या? वाले में नहीं मिलता। अच्छा, उसमें हाँ वाच वाले में तो 2 महीने का है ना? हाँ हाँ अच्छा, वॉच एक में महीना बहुत पढ़ना है मैम, बहुत पढ़ना। अरे हाँ हाँ ये तो सिस्टम है, इसमें से हमें सिर्फ 10 10 नंबरों को ही समझना है बस। अच्छा, ओके ओके। अभी मैं तो पहले वाच वाला ही करूंगी, अभी ये नहीं करूंगी। ठीक है, चलिए। एनी वन एनी डाउट है, किसी को सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। एनी वन कोई भी किसी को डाउट है तो अपना सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर सर वेबिनार खत्म करते हैं। हाँ बोलिए सर बोलिए। मोबाइल नंबर जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं या जैसे भी है, आपने बोला है जो मेथड, उसका क्या कोई रिलेशन है नेम नंबर से? नहीं, नो। नहीं ना? ओके ओके ओके, थैंक यू सर। सर बर्थ डेट 4 है और फोन नंबर 5 आया है। बहुत अच्छा, नहीं काम अच्छा नहीं चलाऊ है, है, काम चलाऊ है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं। लेकिन वो 20 सालों से तो वही नंबर है, तो फिर पूरे जगह तो वो उसका वही काम आता है ना, तो मैडम क्योंकि मैंने अभी है बोला ना, व्हाट्सएप है ना, उसमें डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक ले लेता है। हाँ। सर ये पूरा कंप्लीट कोर्स है ये? ओके हाँ मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट कोर्स है, आप न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट कोर्स? वो तो बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा है, उसके लिए 2 महीने भी कम है, फिर भी तो हम लोग अच्छा कॉम्पैक्ट करके पढ़ा देते हैं मेन मेन चीज। अगर आपको अच्छा अच्छा न्यूमरोलॉजी में मास्टर होना है ना, देखो जी आप नेट में कहीं बैठ के भी कहीं भी कोर्स करवा लो, कर लो जाकर,
आपको 5 दिन का कोर्स मिलेगा, 1 हफ्ते का कोर्स मिलेगा, बहुत ज्यादा हुआ तो 1 महीने का कोर्स मिलेगा, ठीक है। हम यहाँ पर 2 महीने में करवाते हैं न्यूमरोलॉजी का। लेकिन जी अगर बहुत बढ़िया पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है, मिनिमम 4 महीने लगते हैं, मिनिमम 4 महीने चाहिए न्यूमरोलॉजी को समझने के लिए। बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है न्यूमरोलॉजी, टोटल जैसे ऑल मतलब एज अ होल। वैदिक ज्योतिष का सॉफ्टवेयर आता है, हाँ क्या उस तरह से न्यूमरोलॉजी का भी सॉफ्टवेयर आता है? हाँ लोसु ग्रेड का सॉफ्टवेयर आता है ओके वो तो। सर अभी देखो आज के डेट में ना ये कॉन्सेप्ट मिटा दो दिमाग के अंदर से, क्योंकि अभी पूरी तरह से AI आकर सब कुछ बदल चुका है। अब ना तो आपको अपने पास कोई सॉफ्टवेयर रखना है और ना ही किसी का डेटा मेंटेन करना। आपको ओके जो कुछ भी चाहिए, अगर वैदिक ज्योतिष का सॉफ्टवेयर है तो जरूरी नहीं है आप AI से बोलो, वो उसके पास है, सब ब्राउजर में अवेलेबल है। हमें किसी का ठोस रूप नहीं रखना है, हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके नहीं रखना है अपने सिस्टम में। अब धीरे धीरे ये जो फोन दिख रहा है ना सर, इतना मोटा सा, ये इतना जी मोटा सा फोन रहने वाला नहीं है अभी। अभी बिल्कुल अच्छा स्लीक हो जाएगा, स्लीक एकदम पतला, सिर्फ कांच रहेगा आपके पास, क्योंकि स्टोरेज अच्छा नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, स्टोरेज चाहिए ही नहीं ना, क्योंकि सब तो ब्राउजर से मिल रहा है। ज्यादा दिन नहीं है, मैं भी हूं आप भी है, आप 1.5 से 2 साल के अंदर आपको ये टेक्नोलॉजी दिख जाएगी। तो आप ये दिमाग से निकाल ही लो कि सॉफ्टवेयर मेंटेन करना है, हटा दो दिमाग से, ओके ओके सर एक ठीक है। क्वेश्चन करो सर। सर बोलिए। मेरा मूलांक 9 भाग्यांक 4 है, मूलांक 9 भाग्यांक 4 है। हाँ 4 है, फिर आगे क्या? नाम के अनुसार मेरा नाम गणेश कुमार सिंह है, हाँ उसके अनुसार मेरा आता है 4 और जन्म के अनुसार भाग्यांक आता है 9, तो दोनों मैच कर रहा है ठीक सर ये? ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन ये जी भी गुस्सा दिलाने वाला ही है। मंगल राहु हाँ, मंगल गुस्सा आता है। क्रोध क्रोध देता है बहुत ज्यादा, ऐसा लगता है कि अब मतलब जिसके ऊपर गुस्सा के उसका मोड़िया फोड़ देंगे, ज्यादा बोलेगा हाँ मुंह में सही ऐसा होता है ना। जी बस तो नहीं रखना है या तो सर, बदलना है अभी अभी वो भोजपुरी फिल्म देख के उठे क्या, मुड़िया फोड़ देंगे मेरा, मैं अभी तो कोई सर गुजराती आ आ जाए उनके जाता साथ, होगा। आप बोलो ना अभी बात करते हैं ना, तो वो टोन मेरा ओके बदल जाता है हर बार, गुजराती के ओके साथ सर, गुजराती, बिहारियों के साथ बिहारी। लेकिन हम अभी बिहार जैसे से सर। हाँ वो पता है, समझ में आ गया था, सुषमा जहा से अभी बंगाली में बात कर रहे थे, तो वो मेरा एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। सर, मेरी मदर टंग भोजपुरी है ना, दैट्स व्हाई भोजपुरी मुड़िया फोड़ बहुत बहुत देंगे। बहुत प्यारा लैंग्वेज है भोजपुरी, बहुत प्यारा लैंग्वेज, बचपन से सुनते हैं। एक्चुअली मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी जगह पे हुई है ना, मेरे सामने रहते थे गुजराती, पीछे रहते थे तेलुगु, और पड़ोस में थोड़ा सा और दूर जाके सारे भोजपुरी, मैथिली, ठीक है, खुद मैं बंगाली, तो मुझे मल्टी लैंग्वेजेस कलकत्ता में समझ में सर आते है हैं। भी भोजपुरी बहुत ना, मेरी बुआ लोग बहुत भी है रही बहुत हैं है वहाँ। बहुत हाँ है। मेरी बुआ बोलने लगती थी बंगाली, हाँ भोजपुरी टोन में बंगाली टाइप का कुछ टोन आ जाता। किसी को और कुछ पूछना है प्लीज पूछिए, और कोई फिर डाउट है प्लीज पूछिए। चेंज करना पड़ेगा हमको नाम ना सर। हाँ नाम अगर देखिए, ये नाम पूरी जगह पर सब जगह पे डाला हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा लेटर का इधर उधर फेयर करके हम लोग इधर उधर करके चेंज कर सकते हैं। जी, पुकारू नाम फिर खराब नहीं होना चाहिए, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी ही हाँ बदल हाँ जाएगा, जी, ठीक है। ठीक सर। सर ये टोटल नंबर से दो चीजें होती है, मतलब आपका भी इम्पैक्ट और आपके आपसे कौन कनेक्ट कर रहा है उसका इम्पैक्ट का टोटल भी, यस एक यस आपकी एक पर्सनालिटी इस नंबर के हाँ थ्रू होती है। तो सर यस मान लीजिए जैसे आपने भी मुझे सजेस्ट किया था, अभी मुझे वो नंबर ही नहीं मिल रहा, बट अगर जैसे नंबर ये भी रख लेंगे और मान लो हम एक और ऐड कर लेंगे तो दोनों के इम्पैक्ट नहीं आएंगे, मतलब नहीं, अगर अगर फ्रीक्वेंसी। बहुत जी ज्यादा लोगों के पास पुराना नंबर चल गया है और आप नहीं बदल पा रहे जी हैं, तो जी आप उस नंबर से डायल करना बंद कर दें। मैं अपने एक्शंस ये हाँ चेंज करूं तो कोई इसलिए कर रहा चेंज हो, करना रिसीव कर रहा हो तो कॉल रिसीव इट्स करके ओके बात okay। कर लें, लेकिन अच्छा कोशिश ये करें कि पहले कॉल काट कर नए वाले नंबर से उसको कॉल करें। ये तरीका, क्योंकि सर पहले तरीके भी सीखने पड़ेंगे ना, नंबर आ गया पता यही चला हम यही वही किया है मैंने, पुराने। मैंने यही अच्छा किया। अच्छा
कि कॉल रिसीव होता है तो फिर उसको कट करके मैं दूसरे वाले नए नंबर से कॉल कर लेता हूँ। और सर उस नंबर से सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग ही करते हो तो अगर उस तब नंबर भी से होगा। व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं तो और भी अच्छा है ना मैडम, तो उसमें तो क्या हाँ ये तो लगता है, हम बहुत तो अच्छा चेंज है। कर तुरंत हो जाता है, वो तो कांटेक्ट के पास अपने आप ही चला जाता है, इजी हो अच्छा जाता सर है वहां पे जब जाके। चेंज आपने किया जो नंबर था और जो चेंज किया तो आपको जैसे चेंजेस कितने मतलब समझ में आने लगे, मतलब जो एक चेंजेस जो सबसे आप पहले मेरा होने के कमर जी का दर्द ठीक हुआ, अच्छा मुझे L4 L5 S1 में ये है डिस्क, स्लिप डिस्क है, ठीक है, बल्जिंग डिस्क है। अच्छा तो जो मेरा पुराना नंबर है, जो मेरा फेवरेट नंबर है, उसमें 7 और 7 2 का कॉम्बिनेशन है, तो 2 7 7 2 का कॉम्बिनेशन जो है वो जॉइंट पेन देता है, ठीक है, जॉइंट पेन देता है, लेकिन थोड़ा व्यक्ति को ज्यादा हम्बल बना देता है, ठीक है। तो अब ये कहता है हम्बलनेस के चक्कर में ना वो दूसरों की बातों को सुन के बेचारा सप्रेस होके बैठा रह जाता है, तो उस वाले ओके नंबर से हाँ मैं सप्रेस होता था, सही में होता था। सर। और पेन आपका उधर गया है। हाँ, वो सप्रेशन यस सर मेरे हड्डी के अंदर घुस गया जाके, जी सर, कई लोग को माइग्रेन हो तो जाता है सप्रेशन हाँ, में। तो उसी वजह से ये पेन जो है हमारे यहाँ पे, शायद आज पुष्पा जी नहीं है, तो पुष्पा जी का भी हाँ के नंबर में मैक्सिमम 7 2 है, तो अच्छा उनको भी जॉइंट का इशू है। तो मैंने उनसे पूछा कितना साल पुराना है, अभी उन्होंने 2006 से, तो याद करो कि जब आपको ये जॉइंट वाला पेन चालू हुआ था तब कौन सा साल हाँ था, तो कह रहे कि हाँ 2006 के नवंबर से चालू हुआ है, और कब लिया था बताइए मतलब आपने, मैं उन्होंने बोला जून या जुलाई में लिया था, 6 मंथ में सर देखिए इम्पैक्ट डाल दिया फिर वही उन्होंने। तो। मैं बाप रे पिछले मैं मैंने भी मेरा जो पुराना नंबर 2006 का है, और मुझे कमर में पेन चालू हुआ है 2007 के फरवरी या मार्च से शायद चालू हुआ था मेरा भी, ठीक है, और उस टाइम से मैं बहुत इग्नोर करके, चलो ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। 2012 में हालत ऐसी हो गई थी मेरी, मैं बिस्तर में सीधा लेटा था, ऐसा सीधा ट्रक्शन लगा के सीधा लेटा पड़ा था, हिलने का भी हिम्मत नहीं हो रहा था, इतना कंडीशन इतनी खराब हो गई थी, फिर भी मैंने होम्योपैथी और एक्सरसाइज करके, मतलब योगा करके उसको कुछ लेवल पे लाया, जा नहीं गया नहीं था अभी, लेकिन जब से उस नए नंबर को यूज किया, और इसमें सिर्फ रिसीविंग कॉल आता है तो रिसीव कर लेता हूँ या उसी से कर लेता हूँ दोनों, तो उससे धीरे 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 जो मेरा ना वो उसकी तरफ से माइंड, मतलब अब ऐसा नहीं लगता कि उस पर ध्यान जा रहा है, नहीं तो हमेशा ऐसा लगता है ना बार बार वहीं पर ध्यान जा रहा अच्छा मतलब है। ऐसे इम्पैक्ट, क्योंकि सर बदलाव आता आपने है। मेरे को एडवाइस दिया था ना कि फ्री की एडवाइस जा रही है ना मेरे मोबाइल से, बहुत जाती है फ्री की एडवाइस, यस जबरदस्ती यस, ज्ञान जा रहा है। समझ से ज्ञान आपने जा रहा रोकने को बोला था ना कि नहीं इसको रोको तो है, हाँ उसका उसको नंबर का रोको। इम्पैक्ट आएगा सर, है ना। थैंक यू सर। ठीक है, मोस्ट सर वेलकम। हाँ जी, सर यस, मान लीजिए आफ्टर द कोर्स आप मेरा नंबर करेक्ट कर देते हैं, जो भी हाँ, रिजर्व नंबर है, और वो नंबर क्या आपको अप्रोच करने से मिल जाएगा सर वैसे ही? हाँ, मिल जाएगा, मतलब जो आपके हिसाब ओके से बनेगा वैसा मिलेगा। यस यस एग्जैक्टली ओके सर थैंक यू थैंक यू चलो, सुषमा जी, आप पुणे में रहते हैं ना या कोलकाता में रहते हैं? सर। ये कैलकटा तो मेरा है वो, लेकिन नागपुर में रहता हूँ। नागपुर, नागपुर, सॉरी मैं भूल गया था, शायद यस महाराष्ट्र यस में ही यस किसी जगह यस पे थे आप भी। यस यस हाँ, सर और किसी अभी को कुछ पेन पूछना आपको है? है? हाँ गणेश जी, सर बताइए। सर अभी पेन आपको है कमर का? सर नहीं, वो बाय चांस जैसे मौसम कुछ ज्यादा ठंडा हो गया या एसी में सोया तो कमर में हवा लग गई, तो फिर वो होता है, वो अलग बात है, मतलब वैसे नहीं, वैसे ध्यान नहीं जाता। क्योंकि होम्योपैथी डॉक्टर हम हैं BHMS अरे बाबा, क्या बात है, ग्रेट, और हम इसका इलाज बहुत अच्छा करते हैं। बहुत बढ़िया, हम तो जी उसी से जी सर ठीक हुए ही हैं। आप तो जिम जाते हैं, मैं आपको क्या पेन होता हो वो पता ही चल रहा है कि आप तो है ना नहीं, ठीक ही है फिर वही, तो हाँ बढ़िया ही ठीक है। है ठीक है वही, लेकिन एक टाइम था वो, मैंने मतलब सारे लोगों ने मना कर दिया था कि तुम्हारा जिम से गया है, बट सिर्फ होम्योपैथी डॉक्टर ने मुझे बोला था ये जिम से नहीं जाता है, तुमने कुछ ज्यादा ही दिमाग में अपना लोड डाला था जिसकी वजह से तुम्हारा पीछे वाला खिसक गया, ठीक है, ये अब अगर जिम से ही जाता तो ऐसे लोग भी, ऐसे पेशेंट भी मैंने देखे हैं जो घर में कोई काम ही नहीं करता, उसको स्लिप डिस्क होके बैठा हुआ, बताओ, और हम तो सर यहाँ हमारे हस्बैंड है, एक कभी सौ नहीं गए हैं हाँ एक सौ एक सौ उनको बीस पता किलो का स्क्वाट मारता था मैं, अगर स्लिप डिस्क हुआ है तो 120 किलो कंधे में रख के स्क्वाट मारता पर था। होम्योपैथी सर काम करती है, स्पेशली बहुत बहुत अच्छा, साइकोलॉजिकल बहुत अच्छा काम करती साइकोलॉजिकल है। काम करती है। अरे डीएनए रिपेयर करती है मैडम, डीएनए, टाइम दो ना उसको, डीएनए रिपेयर करती देगा।
बिल्कुल सर। सर कंसल्टेशन के लिए अलग कोई फी रखे हैं आप? अच्छा, हाँ कंसल्टेशन का अलग फीस है। उसके हिसाब हाँ आप नंबर ले सकते हैं टोटल, बराबर। तो हाँ अगर किसी का मूलांक और भाग्यांक एक ही रहेगा, बोले तो हाँ कोई भी 9 रहेगा, हाँ तो उसका भी उसको 9 दिया मोबाइल का हाँ टोटल, तो वो ओवर पावर नहीं हो जाएगा? देखो मैंने ये बात कही है कि अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है या नहीं मिल रहा है और उसको ऑप्शन में ये मिल रहा है कि मेरे भाग्यांक या उसका टोटल मेरे को 9 का मिल रहा है, तो चल सकता तो है। बगैर बगैर किसी सोच के इसको ले लेना चाहिए, क्योंकि उसके पास और दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये फॉर्मूला उसी पर अप्लाइड है जो मैंने आज बताया। लेकिन मैं अब समझा। जो जिसमें हम पढ़ेंगे ना इसके ऊपर, तो उसमें भी कौन कौन सा नंबर सुटेबल है, कौन कौन सा नंबर, मतलब इसमें मेनली चक्कर यहाँ पर बस इतना ही है, फ्रेंडली नंबर, एनिमी नंबर और न्यूट्रल नंबर, इन तीनों को ही समझना है। एक महीना सिर्फ हम इसी को ही पढ़ेंगे, अच्छा बुरा तो और न्यूट्रल। आपके लिए अच्छा मास्टर नंबर कौन सा है वो सिलेक्ट करके और यस वो हिसाब हाँ से मोबाइल नंबर यस फाइनल कर, हाँ और उसके कंपाउंड भी महत्वपूर्ण एग्जैक्टली है। कंपाउंड तो है ही, बिना कंपाउंड के तो आप क्या बताओ, रिजल्ट ही नहीं दिखेगा आपको। नहीं, उसमें एक भी एंटी नहीं होनी चाहिए ना कंपाउंड पूरे नंबर बिल्कुल में। नहीं होना चाहिए ना, वो कंपाउंड हाँ एंटी हो गया तो इसी वजह से तो हाँ मेरा एक एंटी है, देखो ना 7227 अभी तो बता रहा था उसी के कारण। सही। मेरे में सर 6-8 है ना, शायद आपने बताया था, सिक्स शायद एट सिक्स यस एट या 2-8 ये भी है, 6-8 एंड टू ने एट है, 6-8 भी टू है, नाइन टू फाइव एट भी, 2-8 भी कि 5-6 है, 5-6 नहीं, वो भी फाइव है सिक्स क्या? तो नहीं, अच्छा बेटर है, वो उतना दिमाग नहीं खराब करेगा। लेकिन कंपाउंड जो डबल 8 3 9 82 फाइव 6-8 ओ वन टू कंपाउंड, एट नहीं नहीं वैसे कंपाउंड नहीं, नहीं टोटल का वैसा कंपाउंड, कंपाउंड। अच्छा मतलब अगर अच्छा आप 10 नंबर को टोटल करते हैं तो 2 डिजिट में और आता है, तो जो वो 2 डिजिट आता है हाँ उसको कंपाउंड बोलते हैं। ओके ओके और वो कंपाउंड तो वो है अलग है, जो मैंने 5 और 5 का बताया या पहले लास्ट के 4 नंबर बताए उसका क्या फ्रिक्वेंसी बनता है, ये सब भी देखना हो। और वो शुरुआत में 9-8 आता है उसका क्या? बहुत से नंबर में 9-8 आता है शुरुआत में, आप नाइन एट देखो टू टू मैक्सिमम फाइव नंबर में जब शुरू शुरू के जितने नंबर है सारे 9-8 है, तो ऐसे लोग हाँ आर्गुमेंट वो करते हुए दिखेंगे, आप ना आर्गुमेंट करते हुए उसको। दिखेंगे, आप लगा लो जब से वो वाला नंबर है, मतलब शुरू सबसे पहला तो वहीं से शुरू हुआ था, 9-4 के बाद, BSNL के बाद 9-8 से ही शुरू हुआ था। इवन एक मेरा सही बहुत बात। पुराना नंबर है 9820, ये मुंबई का नंबर था, ठीक है, तभी ऑरेंज आया था नया ऑरेंज, ठीक है, तो ऑरेंज का नंबर लिया था मैंने उस टाइम पे 9820 करके। तो वो जब से वो नंबर आया है तब से लोगों के अंदर ना किसी भी चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट करना, चाहे पता हो चाहे ना हो, आर्ग्यूमेंट करना है भाई, अच्छा ठीक है, फालतू बोलना ही है जब कोई मतलब ही नहीं बैठता। लेकिन जब से Jio 6 लेके आया तब लोगों के अंदर लग्जरी के पीछे भागना ज्यादा हो गया, पैसा भी आ गया। अच्छा आप देखो जब से Jio 6 का मॉड्यूल लेके आ रहे हैं, जब 9-3 लेके आए थे तो लोगों के अंदर शांति बनी थी, लोग समझ रहे थे, समझदारी बढ़ी थी, एजुकेशन बढ़ा था, जब वो 6 लेके आएगा तो लग्जरी बढ़ गया। सिक्स की वजह से आप लोग नोटिस किया ये नोटिस, आप देखो ना, आप जैसे आप सभी लगभग मेरे एज के आसपास के ही होंगे, तो आप वो टाइम याद करो और उस टाइम का जो आपके आसपास का जो सिचुएशन था उसको याद करो, दिखेगा आपको फर्क, ठीक है। BSNL का 9-4, इसलिए BSNL डूबी, सर डबल 8 है मेरा, तो किसका हुआ वो शनि आइडिया आ था, गया ना, किसका हुआ स्ट्रगल था? स्ट्रगल शनि आ गया, 9-4 जैसे BSNL का था, BSNL का 9-4 क्या देता था, वो जमीन है का सर मेरा विवाद, बैंक का नंबर है, 9-4 से बैंक जमीन का का है। विवाद प्लस अच्छा गुस्सा प्लस बात करना चाह, मतलब शुरू करेंगे प्यार से बात करते करते वो झगड़े में बदल जाएंगे, ठीक 9-1 का कंपाउंड अच्छा है ना? है। 9-1 का भी वही है, हाइपर एनर्जी दे देता है, बट वो थोड़ा सा हाई हाइपर प्राइस में लेके जाता है इंसान को, वो अपने आप को वैल्यू ज्यादा देना पसंद करता है, अपनी बात करता है ज्यादा, ईगो बढ़ जाना, वही हाई प्राइस पे हो चलना, जाए। ठीक है।
और भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप लोग एक एक करके मैं नाइन सबको टू का क्या पढ़ाऊंगा होता है सबको। सर? 9 to 2 दे सर मंगल और चंद्र, अच्छा है, पैसा देगा, पैसा बहुत कमाएंगे, बहुत पैसा देता मेरे कंपनी का नाम है सम्यक यूनिवर्सिटी, अच्छा। दो काम करते हैं, डॉक्टर भी हैं और डेवलपर भी हैं अरे भैया दोनों चौका मार रहे हैं। सर। लेकिन आपने ना जो जिम का नंबर मैं बता रही हूँ ना, आपने ना हाँ प्रिडिक्शन बहुत अच्छी बताई है, क्योंकि उसके 4 ब्रांचेस हैं यहाँ भोपाल में, और ऑसम है सर, ऑसम। मतलब उसकी टोटल 9 उस ब्रांचेस नंबर से ही होंगी, समझ में आ रहा है उसकी प्रोग्रेस उसकी सर। टोटल 9 ब्रांचेस होंगी और 9 के 9 अच्छा, धाकड़ चलेंगी। बट सर नो कॉम्प्रोमाइज, कुछ नहीं, बड़े एथिक्स पे और बहुत अच्छा, शानदार ये है सारी चीजों में, अरे भैया देखो और स्टाफ भी बहुत अच्छा। एक जी चीज सर, रिलायंस ने हमारे को एक चीज बहुत अच्छी सिखाई है। उसके पहले तक तो हम यही समझते थे कि थोड़ा सा बार्गेनिंग कर ले, थोड़ा सा बार्गेनिंग कर ले। रिलायंस ने आकर एक चीज सिखाई जो अभी मैं बात कर रहा था, 6 नंबर जब से लॉन्च हुआ है, 6 का से शुरू जब से हुआ है, हमारे दिमाग में ये बात आ गई है कि पैसा तो देंगे भाई, लेकिन पैसा जितना दिया वैसा ही चाहिए, माल बढ़िया दो पैसा 1 नंबर मिलेगा, ज्यादा मिल जाएगा। ये बात करते हैं ना आज के डेट में हम लोग, आज के डेट में ये बात नहीं करते, तो ये कम कर दो यार, क्या कर रहे हो ये, इतना पैसा लेके क्या करोगे, 2 रुपये कम कर दो हमको, ये नहीं बोलते। अब हम बोलते हैं कि माल बढ़िया चाहिए, पैसा ले लो आप, अगर पैसा लिया और माल खराब दिया तो ये तुम्हारे सर पे पटक के जाएंगे, ठीक है। ये एटीट्यूड आ गया हम लोगों के अंदर, अब हाँ सर, मतलब पैसे खर्च करने के लिए बहुत वो रेडी नहीं है, है, सोचना नहीं है, रेडी नहीं है, है। और उसमें हमारे पास वेरिएशन भी मिल रहा है, वो भी देख हाँ, लेते हैं और क्वालिटी सारी मेंटेन करते हैं, वेरिएशन, क्वालिटी क्वालिटी मेंटेन पे अब ज्यादा मेंटेन। ध्यान जा रहा है। अब मैं ये इन जनरल बता रहा हूँ, सबके ऊपर ये लागू नहीं होता। अब जैसे ज्योति जी, आदित्य जी सब बैठे हुए हैं, सुषमा जी, ये लोग कुछ बोल नहीं रहे, कुछ तो बोले यार, आप लोग तो बुत होकर बैठे हुए, कोई सर सवाल नहीं है। इसका हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिलेगा ना, सेशन का? मिलेगा मिलेगा, अच्छा सर, मैंने लेट ज्वाइन किया था सर, 1.5 साल ये ज्वाइन किया हाँ, मिल जाएगा सर, था। ठीक है। तो सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज ज्वाइन करिएगा जरूर, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग सर है। मैं एक चीज लास्ट में कहना चाहती हूँ, हाँ आपकी क्लासेस से ये चीज जरूर हो जाती, चाहे कोई भी क्लास करो, चाहे प्रेडिक्टिव करो, चाहे ये रिस्ट वॉच, चाहे अब मैं ये करूँ, ऑब्जर्वेशन तो आप ऐसा बढ़ा देते हैं कि वो स्ट्राइक करता है। हाँ सर, हर एस में, जैसे अब आपने नंबर अभी से ऑब्जर्वेशन रिस्ट में, मैं अभी जहां जहां क्लिनिक जाती हूँ वहां की घड़ियां देखना शुरू कर दी हूँ, अब तो मजा आने हाँ लगा है मजा ये आएगा, सारी मजा आएगा। चीजें। असल पढ़ाई जी वही सर, है, देखो गुरुओं का जी काम सर, इन्फ्लुएंस करने का है, करना आपने ही है, चलना आपने है, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, ये नंबर, ये नीचे नंबर दिए हुए, इसमें कॉल कर लीजिए, ये हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है, साथ में नीचे जो है बैंक का डिटेल दिया गया है, फटाफट ज्वाइनिंग कीजिए, क्योंकि 21 अगस्त से इस क्लास की शुरुआत हो जाएगी। ज़्यादा प्राइस नहीं है, 2999 है, जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे और जल्दी जल्दी ख़त्म भी करेंगे, और बहुत तगड़ा है ये सब्जेक्ट, मज़ा आ जाएगा। आप लोग सिर्फ एक बार ज्वाइन करके देखो और अपना लाइफ बदल लोगे आप। इवन मैं बोलूँगा ये सीखने के बाद ना, आप अपने इंटायरली सब जितने हैं आपके जान पहचान के, सबकी लाइफ चेंज कर लेंगे आप। उससे बेटर क्या होगा ना, कि जो भी आपके जान पहचान के अच्छे लोग हैं ना, जिसके साथ आप अच्छा रिलेशन कंटिन्यू अच्छा रखना चाहते हैं, तो वो भी आप ही के फ्रिक्वेंसी के साथ वो भी जब बढ़ने लग जाएंगे ना, तो फिर और मजा आता है, और मजा आता है कि चारों तरफ समृद्धि समृद्धि दिख रहा है, ठीक है। सुषमा जी कुछ पूछना चाहती हैं? सरोज जी सर मेरा मुलाजिम सुषमा जी, आप दर्द, वीडियो ऑफ कर लीजिए, वीडियो ऑफ करके बात पूछिए, नहीं तो ये ब्रेक होगा, वीडियो ऑफ करके बात कीजिए। जी सर, सर पूछिए। मैं बोल रही थी मेरा मूलांग 7 है और भाग्यांक 2 है, और मेरे भी कमर में दर्द रहता है, ये मेरा 16 हुआ, यस यस, ये उसका भी तो ये तो एक कारण चिंता है, वो एक कारण भी है। नहीं हो सकता। नहीं, इसका होस जी क्यों नहीं सर, सकता, सबका उपाय है जीवन में, हर चीज का उपाय है। अब वो पूरा जो है जी ना, लोसू ग्रिड में आपका डेट ऑफ बर्थ डालकर कौन कौन सा खाना मिसिंग है उसके हिसाब से रेमेडी कर दी। जी पर ये बीच बीच में ऐसे दर्द होते रहता है, तो मेरे को लगता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे, तो फिर दर्द क्यों होता नहीं है, ये लग फिर रहा नहीं, था। वो दिक्कत वैसे नहीं है, देख समझो बात को, ये ना आपको अपने कैल्शियम इनटेक को ठीक रखना है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि
आप डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेना, बट ये है कि आपके खान पान में आपका डाइट जो है ना बैलेंस डाइट होना चाहिए, साथ में आपको हम योगा जरूर करना चाहिए, योगा और प्राणायाम, क्योंकि 7:2 और 2:7 का कॉम्बिनेशन अगर आपके भाग्यांक और मूलांग में भी आ रहा है ना, तो जी आपको अपने जॉइंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। सर, मैं वॉक तो करती हूँ, आती तो नहीं, डेली करती हूँ। ठीक है, वॉक इज अनदर थिंग, लेकिन क्या ना जॉइंट मतलब आपको स्ट्रेचिंग चाहिए, बिना जी सर, लिगामेंट, लिगामेंट को आप खींचा तानी किए ना, उसको आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे सकते, नहीं तो फिर जॉइंट को आप संभाल नहीं पाते। जी सर, ठीक योगा करना पड़ेगा है, करना ही सर, पड़ेगा। है ना। इन्होंने चंद्र केतु लेकर बैठे हुए हैं, तो योग नहीं सुना गया, फिर से बोलिए। सर, मेरा मोबाइल नंबर का जो योग है वो 5 है, तो मैं रख सकती हूँ या चेंज करना पड़ेगा? नहीं, ये 2 और 7 के उसमें एंटी में पड़ रहा है या उसमें पड़ रहा है वो चेक करना पड़ेगा। वैसे आप रख सकती हैं, काम की चीज़ है, कुछ ना कुछ काम ही जी हमेशा सर, देगा, ठीक है। जी सर, लेकिन 7 और 2 का कॉम्बिनेशन का जो भी उसमें मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें जो निकल के आएगा वो लोगी जी तो सर, ज़्यादा ज़्यादा जल्दी होगा। जी ठीक है, ठीक, ठीक है सर, थैंक यू मोस्ट सर। वेलकम। चलो, मोस्ट वेलकम। सर मेरे नंबर में 8 ज्यादा है, मींस शनि का ज्यादा इम्पैक्ट है, मींस मुझे जैसे स्टमक इश्यूज ही ज्यादातर मैं फेस करती हूँ, जिसमें मुझे ज्यादा मींस यही शनि स्टमक, नो नहीं नहीं, शनि का ऐसा कोई वो नहीं, कनेक्शन क्योंकि नहीं है, नहीं, वो मेरे कुछ और सेकंड में है रीजन ना सर, होगा। आपने बताया था हाँ, सेकंड हाउस में शनि का। तो 8 जो ज्यादा आ जाए ना फोन नंबर में, तो वो फोन नंबर में, उस फोन नंबर में क्या होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं स्टक एनर्जी, ठीक है। अगर क्योंकि अब 10 साल से एनर्जी, सर मेरे पास ये हाँ, तो उस नंबर, एनर्जी को आपको यूज करना पड़ेगा। हाँ, उस हटाना एनर्जी को पड़ेगा। अगर, नहीं, हटाना तो पड़ेगा ही, अगर सपोज हाँ नहीं हटाना चाहती हैं आपको मेहनत करना पड़ेगा, जाओ जिम तोड़ो, जिम में जाके खूब लोहे उठाओ, पसीना बहाओ, अच्छा अच्छा तो नंबर इम्पैक्ट, उस नंबर का इम्पैक्ट अच्छा दिखने लग का जाएगा। वो आने लगे सर। हाँ, ओके सर, जब तक नहीं चेंज कर रहे हैं तब तक में ये तब तक ऑप्शन हो जाएगा। ये ओके ऑप्शन हो सर, जाएगा। गार्गी जी कुछ पूछना चाहती हैं? यार, लोगों से ऐसे पूछना पड़ रहा है मुझे, आप सर एक, लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। आदित्य जी बोलिए। सर एक मोबाइल नंबर में 4 बारी 7 आ रहा है, टोटल 3 आ रहा है, और मूलांक 2 है, भाग्यांक 7 है, तो क्या करें? नहीं शादी हो गई आपकी? सर, महिला है, मेरा नहीं है, महिला है, उनकी शादी हो गई? कहीं हुई नहीं हो गया, तो ना, एक तो शादी होने बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो और तो हो रही गलती है। से हो भी जाए तो फिर तो गए काम से, वो सक्सेस नहीं होगा। मतलब 4 बारी 7 है, टोटल बहुत 3 तगड़ा 7 का एनर्जी है भाई, वो उसकी शादी करने नहीं देगा उसको। सर, कोर्ट केस भी अब देखो, कोर्ट केस में भी पड़े हुए हैं, शादी में भी गड़बड़ी है, तो क्या बोलूँ, उसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना नेगेटिव पड़ेगा है वो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रहा ना। राइट सर, है। वेलकम थैंक यू सर। जी, गार्गी जी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है, और 8 8 4 9 लास्ट में आता है, मतलब 2 और 8 है, और टोटल ऑफ फोन नंबर इज 6। तो भाग गुणांक 1 है और भाग्यांक, भाग्यांक कितना बताया? एट हाँ, एट 8। हाँ जी, नहीं, चेंज करना चाहिए। 6 टोटल आता है। 6, 8 के साथ 6 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं जाता, मतलब न्यूट्रल में आता है, लेकिन ये कि देखो क्या होगा इससे, एक प्रॉब्लम ये होगा कि जितना जो आप एक्सपेक्टेशन रखती है ना चीज़ों के साथ, लोगों के साथ, वो फुलफिल नहीं होने देगा, हाँ जी एक्सपेक्टेशन की फुलफिलमेंट नहीं। आप देख लो ना, खुद ही अपने आप से पूछो, जो आप हाँ चाहती हैं जी लोगों से वो नहीं मिल पाता है, हाँ जी, तो ठीक ये है, 8 6 की वजह से, कि 8:6 की वजह से। किसी ने मुझे बोला था कि आपके 8 बहुत ज्यादा है, मतलब मैंने लॉ शो ग्रेड भी करी थी, तो एट एट हाँ, तो एट वो एट तीन एट बार है, वहां वो पे। तो है, वो तो वहां पर, तो इसी वजह से देखो आपने नंबर ले लिया लग्जरी का, ठीक है, और आपके लोशो ग्रिड में मेहनत का वो नंबर दिखा रहा है, तो कहाँ से हो पाए। तो अगर आपको लग्जरी चाहिए तो आपको बहुत फिजिकल परिश्रम करना है या मेंटल परिश्रम करना है, कुछ भी ऐसा करना है जिसमें आपको लगे कि हाँ मेहनत की है मैंने, तभी जाकर आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगा।
ऐसा नंबर जब सर ऑलरेडी 8 है तो फोन नंबर में भी कोशिश करें कि 8 ना ही। तो सर मेरा भाग्यांक 8 है तो मैं फोन नंबर में 8 ना लूंगी। नहीं वो फोन नंबर में 8 नहीं, वो टोटल में, मतलब फोन नंबर के हाँ टोटल में टोटल, 8 चल जाएगा। अच्छा टोटल में आप समझ रहे, टोटल 6 है। ठीक हाँ है सर, मैं आपका कोर्स ज्वाइन कर रही हूँ। ये जरूर सर। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, फिर से हम लोग अपने अपने क्लास में कनेक्ट करेंगे सभी के साथ, जो जी जो जैसा भी धन्यवाद सवाल पूछना है पूछिएगा, उस टाइम पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सर, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक थैंक यू सर, गुड नाइट यू। सर।